क्या नाम फिर है, क्या नाम बेटे बोलना, व्हाट्सएप ये क्या निकालना है इसमें अंतिमा? इसमें सर एनेट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ सीक्वेंस। तो A1 निकालेंगे तो बेटे N की वैल्यू 1 डाल दे बेटे अंतिमा, ले आ गया अंतिमा आंसर, पहला 6/4। बाइबल ऐसे लग रहा है एनेट, मेरा नाम बोल रहे हो ठीक है अंतिमा? सर, मेरे को लगाइए ऐसे, मतलब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है इसको, नहीं नहीं इसलिए बेटा ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही करना, ठीक है डन। ठीक है सर। और बताओ बेटे। यस 9.2 पे आ जाइए। पहले हम 9.2 क्वेश्चन बोल दो, 9.2 के फर्स्ट फाइव में कोई डाउट है किसी का? फर्स्ट फाइव में नो सर, नाइन नो नाइन सर पॉइंट टू के ओके वेरी गुड। सर, मैं फर्स्ट 9.1 का 14th क्वेश्चन भी बता दो 9.1 का 14 क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्या सर? गिलिन अभी तो तू बताया है सर, तूने तूने एनसीईआरटी कहाँ से किया है बेटे? मुझे ना स्टार्टिंग में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी अभी आई है। चल कोई बात नहीं, पहले तो 9.2 के ले ले बेटे अब जरा, ठीक है? चल अब आ जा। 9.2 के फर्स्ट फाइव में कोई डाउट किसी को? 1 से 5 में कोई डाउट? नो सर, चलो 5 से 10 में कोई डाउट? 5 to 10 में? एट एट हाँ जी, कितना कौन सा है? एट 8th क्वेश्चन। अच्छा 11 to 15 में कोई डाउट? सर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 11 to 15 में कोई और डाउट? सारे 13 सर, 14th बोल दो 10 से 15। और कोई बोल दो। 15th सर, 16 वेरी गुड बेटे, शाबाश है। सर, मैंने 17 कुछ पूछा है अभी? मैंने बोला 16 से 20 में बोल दो, सारे सारे बोलना शुरू हो गए हो। सर, 9 करा दो, मैं वापस जाता बेटे, 9 करा दो, 9.2 मैं 9 वापस जाता बेटे, ऐसे गिरी वैष्णव ही 9 करा दो। मैं पूछ रहा था 5 से 10 में, 6 10 में किसी का, तब तो बोला नहीं कोई भी, मैं सर वापस पूरी करा जाता। दो। मैं ओ विदित, मैं ना इसके अंदर घुस के मारूंगा तेरे को बेटे, पूरी करा दो। पता नहीं 10th सर में कैसे पास हो तुम सारे। सर हाँ बेटे इसमें तो कोई डाउट नहीं था, ये वाली मैं कह रही थी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपने बोली थी ना करने को, कि वो भी कर लेना, हाँ उसमें जो फर्स्ट पहले 18 क्वेश्चंस है वो तो निकल गए, जो अच्छा सेकंड पेज के क्वेश्चन है तो देख के डर लग रहा है, वो तो हाँ मतलब तू बड़े दे तू कॉम्प्लिकेटेड है तू यार। तू तू देख और डर बेटे बस। अभी मेरे को 20 में, सर अगर मैंने 17 अगर मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया होगा ना, याद रखना अभी पूछूंगा देना बेटे। मैं अभी बहुत आपने मजेदार सारे पॉइंट है वो। करवाए हुए, मैं एनसीईआरटी में देख रही थी, हमने जो जो क्वेश्चंस करवाए थे ना क्लास में सर, 16 से अभी मैं 18 सर, 18 अच्छा और बस, आगे क्वेश्चंस भी नहीं है नहीं है। चलो फिर ठीक है, डन हो गया। चलो बस अब। हाँ जी 9.2 के अब आ जाते हैं फटाफट से यहाँ पर बेटे। अब मेरे पास एनसीईआरटी तो है नहीं बेटे, मैं क्या मैं करूँ? बोलती हूँ चल हाँ सर, शाबाश है। 11th की सर स्टार्टिंग बता दो, आपने कराया था इक्वेशन, मुझे याद नहीं था। मैं तू रुक तो जा बेटे, अभी अभी तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, डाउट लूंगा, थोड़ी बेइज्जती करूंगा, तब मजा आएगा तुम्हारा बेटे। अगर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ हुआ बेटे वो, सर और आपने तुमने पूरी डाउट लिया एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करवाए हुए हैं अब सारे एनसीईआरटी के। देख तो ले बेटे, रुक जा अभी, इनको इनको सबको ठीक करता हूँ बेटे मैं। जरा क्वेश्चन नंबर 8 बोलियो क्या जरा। इस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn plus qn square, where pn q PN are pn plus qn plus square। अच्छा PN, अरे ये तो मुझे याद है, इसका डिफरेंस 2Q है हाँ qn का square जहाँ पे p आंसर और q कांस्टेंट है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसमें तो 2Q वैल्यू पुट हो है। जाएगी, ये अच्छा नहीं पता। बताना आप देखा कि नहीं, मैं कितना मजा आएगा। 8th क्वेश्चन किसका था जरा बताना एक बार, जरा 8th क्वेश्चन किस बच्चे का था जरा बताना बेटा एक बारी। 8th डाउट किसका था बेटे जरा बताओ एक बारी। चलो किसी सर का भी नहीं लिखते है, हुए पूछना चाहिए था, लिख नहीं बेटे जरूरत ही नहीं है। नाम चलो ही नहीं खत्म 8th लिखे थे। क्वेश्चन, खत्म बेटे खत्म, 8th डाउट नहीं है। क्वेश्चन बताओगे नंबर 11 11th बताओ बेटे कौन सा क्वेश्चन है सम पूछ ऑफ द रहा। फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली,
सम ऑफ पी, सम ऑफ क्यू, सम ऑफ और क्या टू बेटे, पार्ट आर, आर, और पी का इज समय इक्वल टू, ए, ए बी सी तीनों का, और ठीक प्रूव है दैट ए अपॉन पी ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन पी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, चलो। ये भी हाँ भाई, करवाया था किसका किसका डाउट है बेटे बताओ जरा, ये सर मेरा। मेरे ना मैं आप कराऊं को सिर्फ स्टार्टिंग बता दो, मैंने दूसरा आंसर पूरा लगाया था। बेटे, चिंता मत करो, जो जो बच्चा नाम लेगा ऑनेस्टी से ना, मैं उसको पूरा बताऊंगा क्वेश्चन, जो ऐसे नाम लेगा कि मेरा क्वेश्चन था ये, आप बने रहो ना, मैं आपको डांटूंगा थोड़ा ना यार, अब लो पूरा क्वेश्चन कराऊंगा बेटे, ये तो मैं मैसेज देना चाहता था बस, कि जो बच्चे डाउट है कम से कम क्लेम तो करें ये मेरा डाउट है अगर 9 o'clock तक डाउट्स नहीं हुए फिर थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे, 9:05 बेटे। 9:10 मैं तक? कह रहा हूँ कि मैं सोने के लिए नहीं जाऊंगा जब तक तो डाउट खत्म ना कर दूंगा एक बच्चे का आज, ओ माय गॉड, बस फिर बात ही खत्म हो गई। एसपी है बेटे पी बाय टू, टू ए प्लस पी माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू बेटे ए हो गया, ठीक है, एसपी का मतलब यही होगा, तो ए की वैल्यू ये आ गई बेटे। अच्छा ए को कैपिटल ए ले रहा हूँ ना, मैं क्यों ले रहा हूँ कैपिटल ए, क्योंकि बेटे स्मॉल ए पहले से यूज हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सो ओके व्हाट इज सर। एस क्यू ना, मैं एस क्यू क्या आएगा बेटे, क्यू बाय टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन ऑफ डी बेटे इक्वल टू बी बेटे। व्हाट इज द एस ऑफ आर बेटे, क्या है आर बाय टू, टू ए प्लस आर माइनस वन ऑफ डी बेटे इक्वल टू कितना बेटे, सी, गॉट इट ना मैं, ठीक है यस बेटे। तो हाँ ये जी किसकी वैल्यू बेटे मिल गई मुझे, ए बी सी की वैल्यू मिल गई बेटे मुझे। अब मुझे जो प्रूफ करना है वहां पे आ रहा हूँ, ए बाय पी क्यू माइनस आर बेटे प्लस बी बाय पी आर माइनस पी बेटे और सी बाय आर साथ में क्या, पी माइनस क्यू बेटे। तो ए की वैल्यू क्या है बेटे, ए की वैल्यू यहाँ डाल दे बेटे, पी बाय टू बाय पी एंड क्यू माइनस ऑफ आर प्लस बी की वैल्यू बोल बेटे, सॉरी 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 सॉरी, इट्स पी बाय टू बाय पी और मेरे साथ है टू ए प्लस कितना जरा बताना, ये टू ए प्लस पी माइनस वन एंड टू डी पी माइनस वन ऑफ डी साथ में क्यू माइनस आर, ठीक है। अब बी बाय पी, बी बता बेटे क्या, बी क्यू बाय टू अपॉन में क्यू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ डी बेटे। सो व्हाट इज द नाउ लास्ट वाला पार्ट क्या आएगा, आर बाय टू बाय आर, सो टू ए प्लस आर माइनस वन ऑफ क्या बेटे डी साथ में क्या है बेटे आपके पास यहाँ पर, पी माइनस क्यू, ठीक है ना मैं, ना मैं, ओके। यस सर। हाँ जी चलो अक्षरा तुम्हें नाइन सर, पॉइंट टू में कोई क्यू वाले क्वेश्चन का में डाउट लिखना आप बता भूल गए दीजिए बेटे, 9.2 में अक्षरा कोई डाउट सर, आपका है तो बोल दो। क्यू के एक मिनट सर, कहा था क्यू आपने वाले का आर आंसर लिखना माइनस भूल पी नहीं गए, लिखा, आर माइनस पी कहाँ पे, क्यू अच्छा के इस वाले साथ में, इस वाले में आर माइनस पी लिखा, ठीक है। तो पी से पी गया वन बाय टू, ठीक है ना मैं, ना मैं टू ए को मल्टीप्लाई कर, टू ए क्यू माइनस टू ए आर बेटे प्लस पी क्यू डी, उसके बाद माइनस डी आर माइनस पी आर डी प्लस डी आर, ठीक है, ओके ये बेटे। हाँ कैंसिल ही हो जाएगा ना, फिर कर लेंगे। हाँ यही बता रहा था, वही सारा आ गया। इसके बाद ये क्यू से क्यू हो गया, वन बाय टू सब में से बाहर ले गया बेटे, प्लस अब क्या आएगा, ये टू ए आर माइनस टू ए पी प्लस क्यू डी आर माइनस प्लस डी पी, ओके। एंड लास्ट में क्या आएगा, ये आर से आर गया वन बाय टू बाहर चला गया, टू ए पी माइनस टू ए क्यू, उसके बाद आर डी पी एंड माइनस आर डी क्यू हो जाएगा बेटे सब, ये सारे बेटे देखो, टू ए आर से टू ए आर गया, टू ए पी से टू ए पी गया, ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे बेटे, ये कर देंगे बेटे, पी आर डी से पी आर डी, ऐसे बेटे हाँ सारे कैंसिल हो जाएंगे बेटे, राइट, ये कर देंगे बेटे। तो वन बाय जी टू सर, इंटू जीरो का आंसर विल बी जीरो बेटे, राइट, बस मल्टीप्लाई ठीक ढंग से कर दियो बेटे, ठीक है, ओके। सर मंशा, मंशा तेरी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही बेटे, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो बेटे। नहीं कराया हुआ इसे शॉर्ट मेथड से। हाँ बेटे करा रखा है बेटे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा है। सर, इसका शॉर्ट मेथड ही पूछना था, मुझे क्यों बता दो क्या कैसे हुआ रहेगा। था? शॉर्ट बेटे मुझे अभी अभी शॉर्ट शूट कुछ नहीं बेटे, अभी तुम काम करते चलो बस, ठीक है, चले आगे, सर ये लॉन्ग तो आता ही था यार, शॉर्ट आता बता था दो बेटे सर, कोई बात, शॉर्ट ही है लॉन्ग बेटे, शॉर्ट बता ये दो, शॉर्ट ही है बेटे, शॉर्ट है चले आगे।
कह रहे सर शॉर्ट बता दो, मुझे पता है बेटे तुम क्या जानना चाह रहे हो, आओ अक्षरा तेरा कोई डाउट है अनपॉइंट में बेटे? सर 18th क्वेश्चन लास्ट वाला, बस बेटे लिखा हुआ है बेटे, टेंशन की जरूरत नहीं बेटे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 13 किसका था जरा बताना है? 13 मेरा। हाँ भारती ने बोला मेरा, ये देखो 13 बोल क्वेश्चन क्या जरा एक बार बोलना क्या है 13 क्वेश्चन। If sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m. क्या दोबारा बोल क्वेश्चन? If the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n और mth term कितना 164? Yes. क्या बात, एक मिनट में होगा क्वेश्चन देखिए वाला। S1 क्या होगा? 8। S2 बता क्या होगा? 22। Yes. पक्का? और S1 is equal to A1 होता है बेटे, और S2 का मतलब होता है A1 plus A2। तो A1 8 हो गया, तेरा A2 आ गया, ये 22, ये कितना आ गया A2? 14 आ गया। तेरी S1 8 कैसे आया? है बेटे? S1 8 कैसे आया? बेटे n की वैल्यू 1 डालना, n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा। बस फिर क्लियर है नॉट क्लियर? चलो am निकालना है, a प्लस m माइनस 1 ऑफ d इक्वल टू 164। a की वैल्यू कितना है? 8। m माइनस 1, d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू d निकाल दो, a1 a2 होता 6 आएगा ना, प्लस 1 इक्वल टू 164 निकाल लेगी भारती। अब m की वैल्यू हो गया, अब निकाल लूंगी। अच्छा और बताओ कौन सा था इस क्वेश्चन में? 13 हो गया सबका, 14 डाउट किसका? 14 13 एक बार देखा ना, फिर से दिखाओ 14 मेरा भी डाउट था। 14 किसका है डाउट? 14 बताओ मेरा है सर। किसका? मेरा। अंतिमा का बोल, अंतिमा बोल जल्दी से बेटे, क्वेश्चन क्या है? इंसर्ट 5 नंबर्स, इंसर्ट 5 नंबर्स आगे बिटवीन 8 एंड 26। तो इतना आसान सा टॉपिक पूछेगी बेटे तुम मुझसे अब? 8 एंड 26 में ये A1 ये A2 ये A3 ये A4 A5। अंतिमा कह रही है मैं सबका पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगी, ये A होगा, ये A प्लस D, ये A प्लस 2D, ये A प्लस 3D। ठीक है सर, आ गया याद, आ गया, आ गया याद बेटे, अच्छा वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 किसका डाउट है? मेरा बिगिन का। ओहो सबका ही है तो 16 में कैसा क्या खास है? ऐसा 16 में क्या जरा बोलना क्वेश्चन एक बारी। फाइंड ये तो नहीं है बिटवीन 1 एंड 31? मैंने इसके अंदर कितने टर्म इंसर्ट करने हैं बेटे जरा बोलना? m नंबर्स। वेरी गुड, मैंने m नंबर इंसर्ट करने है बेटे, तो जरा ध्यान सुनना आराधना, तेरा एक भी डाउट नहीं है बेटे। आराधना रानी सर, तेरा एक भी डाउट नहीं है बेटे? सर मतलब जो बोल रहे सब सुन रहे हूँ सर। सर तेरे डाउट्स कितने पहले ये बता दो मुझे आज बेटे। नहीं सर वो जो थे सर उन्होंने सब मोस्टली ने पूछ लेंगे, सबने पूछ लिए, तेरे डाउट्स उन्होंने पूछ लिए। वेरी गुड, कितने शानदार बच्चे। एक क्वेश्चन भी बता देना। हाँ सारे एक्सरसाइज करा दूं, A1 A2 A3 एंसोन बेटे, क्या है AM बेटे आपके पास है, तो 1 और 31 के बीच में A1 A2 एंसोन AM बेटे आपके पास है। और अब क्वेश्चन में क्या कहानी आती है कि रेशियो ऑफ 7th नंबर और m-1 नंबर जो आपके पास है वो 5/9 है, फाइंड m, यही क्वेश्चन है ना? एक क्वेश्चन है बेटे बोलो फटाफट से। हाँ मनसा यही क्वेश्चन है, 7 नंबर और m माइनस 1 राइट? चलो अब मेरा पॉइंट बेटे क्या उठता है जरा ध्यान सुनना। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा दोस्त ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये एक बात बताना सोच के बेटे, जो फर्स्ट पे है वो कौन सा है बेटे? सेकंड टर्म है ना, और जो सेकंड पे है वो कौन सा टर्म होगा? थर्ड। और जो m पर है तो वो कौन सा होगा? m प्लस 1। और जो m माइनस 1 पर है तो वो कौन सा होगा?
एम एम और 31 कौन से पे होगा एम प्लस टू पे राइट और रॉन्ग राइट बोलो क्लियर नोट तो जो A7 है ना जो A7 बीच में पड़ेगा उसका टर्म ज्यादा होगा एक बड़े A8 होगा वो राइट और रॉन्ग ओके अग्रिमा हाँ जी तू परेशान इसलिए नहीं हुई बेटे कि तुझे क्वेश्चन नहीं आता था परेशान तू इसलिए तूने इसका आंसर देखा था बेटे कहाँ से देखा तुझे कैसे पता चला A7 के जगह A8 आएगा यहाँ पे अरे दो बार ट्राई करा मुझे समझ नहीं आया मैंने फ्रेंड से पूछा था अच्छा बेटा ऐसा है अच्छा A8 का अच्छा एक ही बात होगी बेटे A8 की जगह क्या आएगा A8 की जगह A+ में 7D M की जगह क्या आएगा A+ में M-1D इक्वल टू 5/9 राइट और रॉन्ग राइट अच्छा A जो है आपके पास है अच्छा 31 जो है वो आपका AM+2 है ना 31 AM+2 है 31 तो ये आएगा A+M+1(D) इज इक्वल टू 31 A की वैल्यू 1 है 31-1 तो D की वैल्यू क्या आ गई 30/M+1 A की वैल्यू 1 7 ऑफ 30/M+1 डिवाइड में A की वैल्यू कितनी है 1 M-1 30/M+1 इक्वल टू 5/9 क्या मैं सॉल्व कर लूं बेटा इसको M की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन बन जाएगी हाँ ठीक है सॉल्व करने पर आपको M आ जाएगा और M आपके पास मेरे ख्याल से 30 आएगा मेरे ख्याल से है ना या 15 फिर आपने 30 डिवाइड बाय M+1 लिखे या M-1 M+ तू बता क्या होना चाहिए M-1 क्या होना चाहिए तू बता ये क्वेश्चन डाइजेस्ट नहीं हुआ है बेटे ये क्वेश्चन डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हाजमोला खाओ बेटे मतलब ये AM+2 31 कैसे है -2 नहीं होना चाहिए पीछे से आ रहे हैं तो ओ भाई साहब अबे ये देखना बेटे ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 एंड सो ऑन आगे बढ़ रहे हैं बेटे तो ये M+1 तो अगली टर्म क्या होगी बेटे M+2 होगी क्या हो गया बेटे मैंने भी M-2 वाला ही कांसेप्ट लगाया था तुम्हारा दिमाग जो खराब है बेटे चले एपी है बेटे बढ़ती एपी है बेटे बढ़ते बच्चे हैं बेटे क्या तुम नीचे ले जाते हो उनको बेटे अच्छा आपने M+1 उसको मानना है हाँ बेटे लास्ट को बिल्कुल और बोलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 12th क्वेश्चन सर एक बार डी बता दो कैसे आया फिर से सर इसमें ना एक चीज पूछनी थी क्या कहना चाह रहे बोलो बेटे सर जो ये लास्ट टर्म है 31 इसको हम एएम टर्म क्यों नहीं मान सकते एपी की और फिर जो AM-1 होगी उसको हम AM-2 क्यों नहीं मान सकते समझा नहीं बेटे मैं मतलब मेरा दिमाग कहीं और चला गया था मैं मैसेज देखना शुरू कर दिया दोबारा बोलना बेटे जरा सर जैसे ये एपी है इसमें हमने 31 को एएम टर्म मान ली एपी की और जो AM-1 मीन है उसको हमने AM-2 टर्म मानी ऐसे कर सकते हैं मैंने ये ट्राई किया था बट मेरा आंसर नहीं निकला बेटे आप कैसे मान सकते हो बेटे इसको ये चीज देखो बेटे अगर आप इसके बीच में इंसर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है बेटे आप इनके ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो अगर मैं 1 और 4 के बीच में दो टर्म डाल रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो सेकंड और थर्ड ही तो होगी बेटे वो बिकॉज एपी को बनाए रख रहा है बेटे अगर मैं इसे अलग टर्म मान लूंगा थर्ड पर तो वो अल्टीमेटली ऑर्डर भी चेंज करने से मेरा आंसर बदल जाएगा ठीक है ना ऑर्डर बदलने से बेटे मेरा आंसर बदल जाएगा बिल्कुल बेटे राइट ओके सर थैंक यू और बताओ बेटे क्या सर क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 12 क्यों जाऊंगा 13 था ये तो बेटे कौन सा क्वेश्चन था ये वाला रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एन इन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर अपॉन एन ये क्वेश्चन कौन सा था बता मुझे 16 मैं वापस जाता हूँ मंशा सीधी सीधी बात बोला था मुझे बेटा ऐसे सर मैंने आपको बोला था पहले कि क्वेश्चन नंबर अच्छा 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 ठीक है अभी वापस आऊंगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कौन सा है 17 और 18 सर 18 17 बताओ किसका है 17 डाउट बताओ किसका है मेरा 17 किसका स्क्रीन का 17 क्वेश्चन बोलियो कौन सा है ये मत बोलियो कि AM between the two numbers बताओ क्या 17 है बोलो
17 और 18 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दोनों क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। और बताओ, एसडीवीएम स्पेशली नहीं है बेटे पार्ट आपका। और बताओ, 17 में क्या है? नहीं आने हैं बेटे, वर्ड प्रॉब्लम ये है बेटे बस। चले आगे। और अब सर 15 बेटे आपने सारे तो करा, 15 कौन सा क्वेश्चन है बोलो, 15 कौन सा बोलना सर? 12 तो करा दो। 12 बता क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज m square ratio n square. Show that the ratio of m mth and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. क्लास में नहीं करा था बड़े बने सर, ये समझ नहीं आया था। नहीं सर, ये वाला क्लास में नहीं करा बेटे, झूठ का ना वो होता है बेटे, मतलब मैं आपको मतलब ऐसे इस बात पे क्यों झूठ बोलूंगी, आप खुद सोचो। मैं मतलब ऐसे नहीं, सुनो सुनो, ऐसे टाइप का करवाया था इसमें, वो याद है उसमें 17 टर्म वाला अग्रिमा, था इसमें ना थोड़ा अलग होगा। हाँ। मेरी बात सुन लेगी ना, तुझे इतना बोलने की नीड नहीं पड़ेगी। आई एम एन इडियट वन बट आई एम नॉट बेवकूफ, याद है बेटे क्या बोल रहे हो? मैं इंग्लिश वाला इडियट हूँ, मैं हिंदी वाला बेवकूफ नहीं हूँ। इडियट का मतलब बेवकूफ ही होता है, तो मैं बोलता हूँ मैं इंग्लिश वाला हूँ, मैं हिंदी वाला नहीं हूँ, ठीक है ना? तो बेटा मुझे याद, मैं आप तेरे को समझ नहीं आएगी ये चीज। मैं आपको कसम से, मैं आपको पता है पूरे रजिस्टर की पिक्चर मैंने सर वो अच्छा चल 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 मैं तेरे सामने पूछता हूँ, बाकी सब बच्चे बताए ये क्वेश्चन क्लास में हुआ था ये नहीं हुआ था? हुआ था सर, हुआ था सर, हुआ था, आया था। ले यार गिरमा, अब तो मैं क्या बोलूंगा इस पॉइंट पे, ले आ जा बेटे तू। SM बेटे आपके पास होता है m by 2, 2a plus m minus of 1d, n by 2 बेटे, इतना तो मुझे याद रहता है कि मैं क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था, भले ही बड़े मैं भुलक्कड़ हूँ। टू ए एन प्लस एम माइनस वन टाइम्स ऑफ डी ऑफ एन, देख ले दोबारा समझ नहीं आ गया तो बेटे देखो फिर, अब 2a प्लस ये आपका एम हो गया बेटे, ये ओ ओ सो सॉरी सो सॉरी 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 डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे इसमें, नो नीड। नहीं वैसे वो हो जाएगा डिवाइड बाय 2 और फिर यहाँ पे एम को एम माइनस वन और एन को एन माइनस वन की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ कर सकते हो, टू एन माइनस टू एम m of n minus 1 of d minus of m minus 1 of dn, so common आ गया d, so mn minus m minus of mn plus n, g है ना, j से j गया, 2a common आ गया, n minus 1, n minus of m, d, twice of a, n minus of m, cancel, d की वैल्यू क्या आ गई 2a, अब मुझे प्रूफ करना है am by an, a plus m minus 1 of d। कभी कभार मेरा दिल करता है मैं ना एनसीईआरटी खोलूं और शुरू हो जाऊं, किलो बेटे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब मेरा दिल करता है ऐसे ऐसे पढ़ाऊं बेटे, ना डाउट्स लेने की टेंशन ना बेटे किसी और चीज की टेंशन। क्या कहते हो, सही है गलत है? आप अपने साथ चीटिंग करोगे, हमारे साथ करोगे, सबके साथ ही करेंगे हम तो। कितना अच्छा लगता, तुमको पता भी नहीं होता मैं कौन सा क्वेश्चन बोलने वाला हूँ। देखो बेटे आगे आंसर सेम, देखो चलो इसी बहाने आप कुछ काम तो करते हो आप। महक कहाँ गई पता है तो हंस के रही, पहले ये बता अक्षरा, अक्षरा क्वेश्चन नंबर कौन सा तेरा बता, 18 क्वेश्चन क्या है? ये सारे बेवकूफ है बेटे, इन्होंने 18 क्वेश्चन करवाए नहीं मुझसे किसी ने। क्वेश्चन बोल बेटे तू। The difference between सर हम मना कर रहे थे। चलो चलो 18 क्वेश्चन बोल, अक्षरा कौन सा है? The difference between any अरे क्वेश्चन बोलने दो सर भाई, अक्षरा बोल तू। The difference between the two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree। Okay।
If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of the polygon. Okay. सबसे पहला एंगल 120 है और इसका डिफरेंस कितना 5 डिग्री है, राइट बेटे? Yes, sir. और मुझे क्या निकालना, सम ऑफ साइड्स निकालना है ना, नंबर ऑफ साइड्स। तुम्हें पता है बेटे नंबर ऑफ साइड्स जो आती हैं आपके पास, सॉरी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन बेटे क्या होता है, याद है? याद है बेटे, ये होता है ना? Yes. तो मैं सम का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पर, एन बाय टू 2a plus n sides होती हैं बेटे, n minus 1 of d, ये क्या है, number of sum of all angles, जिसका equal होगा वो n minus 2 of 180, ठीक लिखा अक्षरा? Yes sir. तो a आपके पास n थोड़ा आएगा, है बेटे? n minus 2 into 180 है. n minus 2 into 180 होता है ना? अच्छा n नहीं होता? अरे मेरे ख्याल से तो ये नहीं होता फॉर्मूला, मेरे को लगता है n minus 2 twice of 2 right angle. ये होता फॉर्मूला बेटे, n माइनस टू ऑफ ट्वाइस ऑफ राइट एंगल्स बेटे, इन्होंने सीधा 180 बोल दिया इसलिए मेरा दिमाग घूम गया बेटे, n माइनस टू ट्वाइस ऑफ राइट एंगल्स, राइट एंगल्स फॉर्मूला है कहां से, मतलब मैंने नहीं सुना कहां पे आया, नहीं सुना बेटे तूने बेटे, 7th 8th में होगा बेटे ये, अच्छा अच्छा इतनी बातें कौन पुरानी याद रखता है बेटे, है ना बेटे, बचपन की बातें, डी कितना बेटे बस 5, अब तो हो जाएगा इनकी वैल्यू, यस सर, चलो डन है, n minus 2 twice of right angles होता है बेटे, मैंने भी 7th में पढ़ा था बेटे, मेरे को तो याद ही नहीं होता था बेटे कुछ, चलो और अक्षर कोई है इसमें नहीं है, 9.3 पे आ जाओ, पल्किन कोई और डाउट 9.2 में, खुले दिल से स्वागत पूछ रहा हूँ बेटे, चलें 9.3 का बताओ बेटे क्या आप, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे बोलो सर, 9.3 स्पेल ना रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम दे रखा है एनसीईआरटी में, वो चीज करनी है, क्या दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम, राइट तो है मैंने आपको सर, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अच्छा इनइक्वालिटी, नहीं नहीं ये नहीं करना बेटा, ये नहीं करना, वैसे नॉर्मल बात है तो पता होनी चाहिए कि एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम या जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एएम, एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ये आपको याद होना चाहिए बेटा हमेशा, ठीक है ना, ओके सर, चलो और बताओ, 9.3 के पहले पहले 10 में कोई है बोलो, 9.3 के फर्स्ट आराम से बोलो, कौन सा क्वेश्चन बोला आपने सर, मैं ये कह रही हूँ मैंने वो नहीं करा एएम और जीएम, नहीं किया बेटे क्यों, वो मेरी क्लास नहीं हुई थी ना उस दिन, मैंने बताया था आपको, चलो कोई बात नहीं अभी बीच में हो जाएगा कवर, इसमें टेंशन नहीं, डाउट्स में ठीक है, मैं बीच में बता दूंगा बेटे आपको साथ साथ, ठीक है, ओके सर, चल अब देख बेटे ध्यान से क्या होता है, मैं तुझे बता ही देता हूँ फटाफट से, एएम का मतलब क्या होता है बेटे, ये ए और ये बी है सपोज का अक्षर, ठीक है, तो एएम निकालना बिटवीन द टू नंबर्स, ए बेटे एक ऐसा नंबर है जो ए ए और बी के बीच में आ रहा है और ये एपी बना रहा है, ठीक है, तो एपी बेटे क्या होगा इसमें, ए माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ ए, बराबर होगा डिफरेंस अगर ये एपी में है तो, राइट, तो ये 2a मेरे पास आ गया बेटे b प्लस a और a की वैल्यू आ गई बेटे a प्लस b बाय 2, ओके यस सर, तो ये am होता है बेटे, ऐसे बेटे gm में क्या होता है, a और b के बीच में g एक नंबर आ रहा है और a g और b gp बनता है, रेशो बराबर आएगा इसका, सो g बाय a इज इक्वल टू बेटे b बाय g, सो g स्क्वायर इज इक्वल टू ab, सो g की वैल्यू बेटे रूट ऑफ ab, सो रूट ऑफ ab इज द ज्योमेट्रिक बिटवीन द टू नंबर्स, ओके सर, वैसे जी बाई ए और बी बाई जी क्यों लिखते हैं, रेशो सेम होता है ना बेटे इनका, ए टू बाई ए वन और ए थ्री बाई ए टू बेटे, अच्छा ओके सर, हाँ मन अगर तीन मान 9.3 में ऐसा कोई डाउट नहीं, बस एक क्वेश्चन की बिल्कुल एक छोटे से मैं पार्ट आप बता दो, वो एक सेकंड में ही हो जाएगा, अच्छा एक मिनट रुक जा, 9.3 पूरे क्वेश्चन में नहीं करा हुआ है, बता रहा हूं तेरे को बता दूंगा, पहले 9.3 के मुझे क्वेश्चन पूछ दे कितने डाउट्स हैं, 9.3 के पहले 10 में कोई डाउट है किसी का, थर्ड टेंथ और मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, याद रखना बेटे इसे लास्ट टाइम अगेन, 9.3 में कोई डाउट है किसी का, एक्सेप्ट थर्ड टेंथ,
थर्ड टाइम 11th क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन बोलोगे ना याद रखना बेटे, वो क्वेश्चन मैं आपका अभी करा हुआ चेक करूंगा राइट नाउ कि आपने वो ट्राई किया नहीं किया, इसलिए सोच समझ के बोलना। तो सारे क्वेश्चन बता दे डाउट वाले या 1 से 10 सारे बोले सारे डाउट 18, 29, 24, 27, 30, 31, 32 क्या कर रही है बेटे एरिका? एरिका तुम तो ऑफलाइन में नहीं आते बेटे। मैं कल से पक्का आऊंगी, आज आज कल घर पे कोई व्हीकल ही नहीं था और मैं वैसे तुम्हारे मैं तुम्हारे डाउट्स रोक सकता हूँ बेटे यहाँ पे तुम्हारे वैसे। चलो आओ बेटे। सर ये जीपी कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं रोकूंगा। 23 रह गया बेटे, और किसी का रहता है बोल दो फटाफट से। एरिका कौन सा बच गया बोल उसके बाद कौन सा 24 28 31 बता देना 30 और 29 27 सर 31 30 और सारे बता दूं? सर बता दो पूरी पूरी। मैंने ना अगले चैप्टर से सिर्फ एनसीईआरटी करानी है कसम से। अगर नहीं पता सर इस बाकी चैप्टर्स की ठीक है। अब बोलो 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 अगर मैं बोल तो कंप्लीट कर ले बेटा तुमने। मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा बोलना सर, मैं तो बोली भी नहीं। अच्छा बोलो 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 नाराज ना बोल रहने दो यार। अच्छा बोल जल्दी हो, मैं तो फ्लो में था अपने बोल करवा दो क्वेश्चंस कोई बात नहीं। 24 मेरा आगे हजम नहीं होगा अगर मैं जल्दी बोलते फटाफट। कुछ नहीं ऐसी बोल रही थी क्या कि बाकी चैप्टर्स की एनसीईआरटी इजी होती है, इस वाले चैप्टर की मुश्किल थी। जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे वो सारे भी थे इसमें। हाँ ये अच्छी बात है बट मैं जानता हूँ ना कहाँ दिक्कत। चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं अब इस पे। इसकी और स्टेट लाइन दोनों की एनसीईआरटी अच्छी है बेटे, टेंशन नहीं। अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलो कौन सा फटाफट से। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलिए। The 5th, 8th, and 11th term of GP are P, Q, and S respectively. Show that Q square is equal to PS. इतने जल्दी बोल के मैं तो समझ नहीं आया बेटे। The 5th, 8th, and 11th term of a GP are P, Q, and S respectively. Show that Q square is equal to PS. A 5th, 11th और क्या है? 5th, 8th, or 11th. 5th है P, 8th है Q और 11th है S. ये GP में है। अगर 5th, 8th, 11th GP में है तो A 8th by A 5th और A 11th by A 8th बराबर होंगे ना? नहीं, 5th, 8th and 11th terms of a GP. Of a GP? हाँ, ये नहीं कि... Prove that Q square is equal to PS. तो A की तो बात है। अब ऐसे डायरेक्ट कैसे जीपी में ले लोगे? गिवन है कि एक जीपी की 5th 8th और 11th टर्म्स है तो उनका रेशियो थोड़ी ना सेम होगा। ओ तो क्या बताऊं, पहले शो करो यार एआर वगैरह। A5 आपके पास P है पहले ये बताओ। हां जी A8 आपके पास Q है और A11S है और क्या प्रूफ करना है आपको? Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। यार ये सही तो है यार, तुम तो ऐसे रुंदा रुंची भी रहते हो। A5 का मतलब AR की पावर 4, AR 7, AR की पावर 10। अब यहाँ पे वेल डाल दो, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS है ना ये। Q स्क्वायर मतलब Q का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर R की पावर 14, P मतलब AR की पावर 4, S मतलब AR की पावर 10। तो ये आ गया AR की पावर 14, A स्क्वायर R की पावर 14, सेम ही तो है। और बताओ थर्ड, ये क्वेश्चन पूछते तुम मुझसे सर। हाँ। मैंने बोला था ना मुझे as such doubt नहीं था, बट एक उसमें पार्ट में जो 6th क्वेश्चन है 9.3 का, उसमें ना x की वैल्यू रूट 1 आई थी। हाँ। तो फिर आपने बताया था कि अगर रूट के बाहर कोई साइन नहीं इंडिकेट हुआ तो हम x is equal to root 1 है तो x की वैल्यू 1 आएगी। बट पीछे आंसर में एनसीईआरटी में प्लस माइनस 1 गिवन है। मतलब तू ये कहना चाहते है मैं गलत पढ़ाया हूँ? मैंने कहा है ये और क्या मतलब मेरा डाउट है ना। दो चीजें बराबर आ जाए आपके भाई, वो कह रहा बराबर प्रूफ कर दो, मैं लिख दिया बराबर आ गया।
पता है वो सही कह रहे हैं लक्ष्य, जैसे आप डायरेक्ट लिख देते हो ना, आप लिखो टू प्रूव दिस, एलएचएस अलग लो आरएचएस, फिर दोनों को इक्वल करो, तुम पढ़ा लो आगे, पढ़ा लो आगे, मैं तो छोड़ो सर, आप ऐसे क्यों बोलते हो, तुम पढ़ा लो, मैं ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, हद होती है सर, हमारा और आपका कंपैरिजन है, हां है ना, क्या सर, दूर दूर तक हम गिर जाएंगे मैथ में, आओ बेटे आपसे क्यों पढ़ते हैं, खुद ही पढ़ लेते हैं, ओ भाई बस कर तू जरा, अब क्वेश्चन लेते हैं, टेंथ क्वेश्चन क्या है ये बताओ अक्षर, टेंथ क्वेश्चन बोल, छोड़ इसको बेटे तू, सही थर्ड क्वेश्चन तो प्रूव कर दो, थर्ड कर तो दिया भाई, क्या कर रहे हो, प्रूव करने क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस, अपना इज इक्वल टू का साइन काट दो बीच में, पहले अलग अलग करके फिर शो कर दो, देख बेटे क्या प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस ना, ये देख बेटे, अब ये लो बेटे क्यू स्क्वायर, ये रहा पीएस, दोनों अलग लिख रहा हूँ, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर की पावर 14, बिकॉज ये ए आर की पावर 7 का स्क्वायर था, ये पीएस क्या है बेटे, आपको पी इंटू एस करना है, आपको पी की वैल्यू है ए आर की पावर 4, एस की वैल्यू है ए आर की पावर 10, ए का स्क्वायर आर की पावर 4, हो सेम आ गया बेटे, तो चले बेटा आगे चले, क्या चलो अभी भी नहीं हुआ क्या, हो गया, हो गया सर, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 10th बोलो, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 10th बोलना बेटा, क्या है, x क्यूब x क्यूब कॉमा x टू द पावर 5 कॉमा x टू द पावर 7 अप टिल n टर्म्स और ब्रैकेट में है इफ x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, सर इनका सम निकालना है, इसका सम निकालना है, पर तो जी मैंने फॉर्मूला लगाया तो मेरे साइंस उल्टे आ रहे हैं, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आ रहा है, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस आ रहा है, ये आंसर आएगा बेटे इसका, तो मेरा तो ये आ रहा है बस सर, हां बेटे सर, जब ये जैसे प्लस माइनस 1 नहीं गिवन होता तो हम हां बेटे, तो मैं कह रही हूँ कि मेरा भी यही आ रहा है, बट पीछे उसने लिखा है कि 1 माइनस x की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस x की पावर 2, वो तो माइनस कॉमन ले लिया ना, एक ही बात है, अच्छा सॉरी, हाँ बेटे बोलो क्या कह रहे हो, तारक बोल भाई, तारक मत बोल, हाँ यस सर, मैं पूछ रहा था अगर हमें गिवन ना हो कि वो r जो स्मॉलर देन 1 हो या x की फॉर्म में हो, तब हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई मर्जी लगाए, हमारी मर्जी है भाई, ठीक है सर, ठीक है, और बताओ बेटे क्वेश्चन नंबर 10th के बाद बेटे, भी जो उसने बात करी वो तो हमें सिर्फ तभी चेक करना ना जब इनफिनाइट टर्म्स हो, हां बेटे वैसे तो कोई इलॉजिकल पार्ट है सब कुछ ना उसके अंदर, हाँ जी 11th क्वेश्चन में क्या, 11th क्वेश्चन बोलो क्या भाई फटाफट से, 11th क्वेश्चन 11 2 प्लस 3 क्या है, अच्छा ये होगा समेशन ऑफ 2 प्लस 3 की बारे लग के, और k की वैल्यू कहां से, 1 से 11 है ना, यस सर, चलो अब मैं k की वैल्यू, अब देख लो ध्यान से, k की वैल्यू 1 से शुरू कर रहा हूं, समेशन है बीच में 2 प्लस 3, दूसरा क्या आएगा बताओ फटाफट से, प्लस 3 की पावर 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन तक, 2 प्लस 3 की पावर कितना आएगा फोकस बढ़िया, 11 वेरी गुड, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम्स, 11 टाइम्स, वेरी गुड, तो 2 into 11 हो जाएगा, ये आ गया 3 की पावर 1 3 की पावर 2 एंड सो ऑन 3 की पावर, ये जीपी बन गया, अब ये मत बोलना जीपी का सम का फार्मूला क्या होता है, बता दो सर जरा, ठीक है, पलकिन हो गया बेटे, यस सर, वही है ना, डाउट कौन सा था इसमें, हम अच्छा बोल सर वही है ना, a into r n minus 1 by r minus 1, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, मंशा तू ऑफलाइन ना आई ना बेटे, तुझे मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा बेटे, याद रख सर, वो ऑफलाइन क्लास में इसलिए नहीं करी, बैकअप अटेंड करने के लिए, आज आपने बैकअप कैंसिल कर दिया, अच्छा ऐसा लग गया बेटे, 3 बजे फिजिक्स कर लूंगी और 5 बजे बैकअप और 8 बजे क्लास, ऑनलाइन दूसरा बैच बना रहा हूँ बेटे मैं,
हेलो सर, कितने बजे बना रहे हो दूसरा बैच? 2 से 3 बनाऊंगा, 2 से 3 अक्षरा हुड्डा में। हाँ बेटे भाई अटेंड कर, कब से बनाओगे? बेटे जल्दी बना दूंगा बेटे, बस मैं जल्दी, बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर शायद आपको हैं? और जो ये गाइड भी बन गया, मैं ना सारे टाइमिंग्स ही डिसाइड कर रहा हूँ, मैं अपने टाइमिंग्स दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ एक बारी, क्योंकि पूरा ऑफलाइन बेटा अब आने वाला है, तो मुझे फ्लाइट को टाइमिंग भी देना है, इसलिए मैंने आज रात को ये डिसाइड किया था, मैं बैठ के टाइमिंग बनाऊंगा बेटे सारे। चलिए बोलिए, ऑनलाइन बंद कर रहे हो? नहीं बेटे ऑनलाइन बंद नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन शाम को ही चलेगा बेटे, ऑनलाइन बंद नहीं होगा बिल्कुल भी। यस सर, जो भी जीपी बनाई आपने उसकी आइटम बता दो। उसकी आइटम बता दूं क्या? बता सकते हैं रेशो बता दूं? यस तो मैंने बताता, तू कैसे निकालेगी रेशो बताइए। तो रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सुकलीन? तू ध्यान से क्वेश्चन पूछा बेटे, बता क्या होता है रेशो? रेशो क्या होता है बता? A2 divided by A1. करिए A2 divided by A1 करना नहीं आता, 9/3 क्या होगा बताइए जरा? 3. तो क्यों पूछ रही है मुझसे रेशो क्या होगा इसका? सेकंड फॉर्म करिए। तो ऐसे बोलना सर, इसका रेशो 3 होगा ना, ऐसे कंफर्म करते हैं, ये नहीं कि सर रेशो क्या होगा बताना जरा। बेटे मैं शक हो जाता है बेटे मुझे अपने आप पे, मुझे क्यों लीव कर दूं? ऑप्शन नहीं है, डाउट एलिमेंट्स में भी नहीं है। एलिमेंट्स मैंने नहीं करी तभी तो। अच्छा वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। मिसलेनियस का वो मुश्किल है सर, 18th क्वेश्चन के बाद। चलो बैठ जा, मैं सारा करा के भेजूंगा आज। हाँ सर, एलिमेंट्स के भी आज ही लोगे क्या? हाँ बिल्कुल आज ही लूंगा भाई, खत्म करेंगे आज हम इसको। ठीक है, रात को 12 बजे तक बैठे, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करके जाएंगे आज। थोड़ा जल्दी जल्दी ले लो है, थोड़ा जल्दी जल्दी ले लो, टाइम पास करेगा। मैक तू ज्यादा मत बोल, देख साफ सी बात है, तू निकल जा क्लास से, तू ऑफलाइन किया ना, निकल जा। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ बेटे क्या फटाफट से। ऑफलाइन में लिखते जाओ तो ले लो अंदर को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। 12th क्वेश्चन बोलो क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1। किसका क्वेश्चन है बोलना जरा एक बारी, क्वेश्चन किसका बोलना है जरा बच्चा बताओ, ये कौन सा जिसका क्वेश्चन है बेटे? ये क्लास में सो रहा होता है क्या? ये ऐसे अब कोई बताएगा भी नहीं किसका है, मैं चाहता हूँ ना बताएं। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन, हैरानगी होगी बेटे, सो रहे होते क्लास में क्या? क्वेश्चन नंबर 12 तो था ही नहीं इसमें, फिर पूछने लग गए। क्वेश्चन नंबर 19 बोलो, किसके 19 कौन सा, 18 कौन सा बोलो। फाइंड 18th है, find the sum to n terms of the sequence 8, 88, 888, 888. किसका क्वेश्चन है ये 8+88 वाला? सर मैं ये कहती मेरा था, लेकिन ये हो गया था, पता नहीं मैंने इस पे गलती से क्वेश्चन मार्क लगाया। हां तो 5+55 वाला क्वेश्चन याद है, क्लास में कराया था बेटे मैंने। हां याद है। यस चलो डन डन, क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म हो गया। 18 खत्म हुआ, 19 नहीं हुआ। 19 क्वेश्चन बोल लो, कौन सा 19 क्वेश्चन बेटे? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ओके 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 एंड लंबा है, तो आप लिख लो पहले। इतना तो बेटा दिमाग मेरा चलता है जब तू बोलती है ऐसे बेटे। 128 प्रोडक्ट मतलब 2 × 128 कॉरेस्पॉन्डिंग की प्रोडक्ट का सम, सम ऑफ द प्रोडक्ट 432 कितना आएगा? 128, 16 × 8 कितना आएगा? ऐसे थोड़ी ना करेंगे, 64 और कैसे करेंगे? ये ऐसे जीपी लगा के नहीं करेंगे। हो तो गया 16+2 = 32 और 32 + 16 लो। अब आपकी मर्जी है, ये जीपी भी बन रहा है, टोटल भी कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा उससे बेटे आपका। अच्छा अगर चलो ज्यादा टर्म्स होती ठीक है तो कैसे करते है तब बताओ। तो जीपी तो लगाते, बोल दो ना जीपी लगा दो। बोल तो रहा हूँ बेटे जीपी लगा दो,
इसमें कौन लेके नहीं होगा सर, ये क्या बनेगा 2 into 128 प्लस 4 into 32 प्लस 8 into 8 ऐसे, तो क्यों करना ये? अरे यार अंदर ये एपी तो है बेटे, ये ए है इसका 128/256 करें 1/2 आ जाएगा, 5 टमाटर पर खत्म करना, क्यों इतना लंबा खींच रही है? चलो और बताओ बेटे क्या है सर, वो वाला भी बता दो क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन कौन सा बताओ बेटे? मैंने जो भेजा था आपको सॉल्यूशन। अच्छा वो काफी टाइम से अभी बताता हूँ बेटे, इसके बीच बताता हूँ। ये 2018 सबका हो गया, 19 गन 11 गन क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कौन सा है जो अभी कराया था उसका सॉल्यूशन दिखा दो सर एक बार। 496 है, ठीक है हो गया सर। ये 19 क्वेश्चन में आपने 1/2 कैसे निकाला? इसके अंदर a2 by a1 बेटे, सर उसकी तो जरूरत ही नहीं थी, बस टोटल करके आंसर आ गया। हाँ बेटे बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सही कहा बेटे, ये रीमा ने कर रहा है बेटे, बेवकूफ है ये बेटे। चलाओ नेक्स्ट, मेरा तो डाउट भी नहीं था ये सर, चुप कर अब तू भी क्या शुरू हो जाती है 2-2 मिनट में, ठीक है सर। चलो अब आंसर बोलो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी का डाउट है 16 क्वेश्चन क्या है जरा बोलना बेटे। फाइंड अ जीपी फॉर विद द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 and the fifth term is 4 times the third term. छोड़ दे जिनको ये नहीं आता उनका डाउट रहेंगे हमेशा। 16 खत्म। क्वेश्चन नंबर 23 बेटे बोलना क्या है 23 में, मैं बोलता हूं 23 1/r^2 एंड प्रूफ करना है आपको। नहीं और नहीं सर, क्या प्रूफ करना है? द फर्स्ट टर्म इज a n टर्म बेटे आपका b है और p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यही है ना a1 a2 a3 और सो ऑन में an, यही है ना क्वेश्चन में? हां जी। और p होगा a, a2 होगा बेटे ar, a3 बेटे ar स्क्वायर अप टू 8। मैं उस बच्चे से बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं जिसका ये क्वेश्चन है, बस उसे बता रहा हूं कि तू पढ़ नहीं रहा है बेटे, नाम भी नहीं पूछ रहा हूं लो उसका मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैं क्लास में करा कर आ रहा हूं बेटे। a कितनी बार आ रहा है बेटे आपका? n टाइम्स, तो ये ए की पावर एन बेटे, आर बेस सेम है तो पावर बेटे ऐड कर रहा हूँ। देख बेटे क्वेश्चन मैं पूछ भी नहीं रहा किस बच्चे का ये, लेकिन वो शर्म कर ले बच्चा, साफ मुंह बोल रहा हूँ बिना जाने बात कर रहा हूँ। 1+2+3 एंड सो ऑन, तो बेटे n-1 है बेटे, इसका सम क्या आएगा बेटे बताओ? ये एक एपी है बेटे, तो एपी का सम का फॉर्मूला होता है n-1/n-1 है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म कैंसल, n इंटू में n-1/2 बेटे, सो n इंटू में क्या है बेटे n-1/2। अब p का स्क्वायर करना है बेटे मुझे, तो p के स्क्वायर में क्या होगा n की पावर बेटे 2n हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटे, n इंटू में n-1 बेटे। तो मैंने इसे लिखा a की पावर 2n है ना ये, तो मैंने लिखा यहाँ a की पावर बेटे n सॉरी 2 और r की पावर बेटे n-1 और इस पूरे का बेटे n कर दिया, n इस पूरे का बेटे बाहर ले गया एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या आएगा बेटे a into a r की बार n minus 1 of n बेटे, ये आपका बेटे क्या आएगा b n टर्म है तो वो a r की बार n minus 1 हो जाएगा और आपका आंसर आ गया a b की पावर n। लो उस बच्चों को लिखने का मौका भी दे रहा हूं बेटे मैं, नोट भी कर ले जा बेटे वो। अच्छा बताना कौन सा बच्चा था वो? पूछ लिया, मजाक कर रहा, मत बोलना बेटे मत बोलना बिल्कुल, जाओ नहीं तो फिर मैं ताने मारता रहूंगा ऐसे। अरे नहीं पूछो पूछो कोई बात नहीं बेटे, क्या दिक्कत है सर? वैसे ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था ना? हाँ हाँ तेरा ही डाउट हो सर, नहीं मेरे क्लास में भी कराया था मैं तो क्वेश्चन नंबर 11। हाँ चलो उसे मैं लीव कर दूँ और डाउट नहीं है? नहीं है लीव कर दे बेटे। ओके वो 11 28 और कौन सा क्वेश्चन है बोलो बेटे? 24 भी बताना, 23 भी हो गया, 27 28 27 बोलना कौन सा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a मैंने दिया था ये वाला सर, करवाया हुआ ये वाला क्लास में। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन बोल दो बस भाई, क्या सर? n की वैल्यू निकालनी है सो दैट a टू द पावर n+1 + b टू द पावर n+1 / a टू द पावर n
plus b to the power n is the geometric mean between a and b. चलो एक बार एक क्वेश्चन देख लो बड़े ध्यान से क्या क्वेश्चन है. a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divide में a raised to power n plus b raised to power n है ना, और ये क्या बड़े geometric mean है. अगर ये geometric mean है दोनों में तो m को n निकालना है, तो आप इसको निकाल लीजिए. a b की बार 1 by 2 मान लो बेटे यहाँ, और ये a की बार n plus 1 और यहाँ b की बार n plus 1 और ये a n plus में b n बेटे आपके पास हो गया राइट. और ये आपके पास क्या बनेगा अब, ए की बार 1 बाय 2 बी की बार 1 बाय 2 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट बेटे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए ऑफ एन प्लस 1 बी की बार एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए की बार 1 बाय 2 बी की बार 1 बाय 2 बेटे, साथ में मल्टीप्लाई में आपके पास आएगा ए एन प्लस में बेटे बी एन. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा ये, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ए की पावर एन इंटू में ए की पावर 1 बाय 2 बी की पावर 1 बाय 2 प्लस b की पावर n a की पावर 1 बाय 2 b की पावर 1 बाय 2. सो a की पावर n प्लस 1 b की पावर बेटे n प्लस 1. सो नाउ a रेस टू पावर n प्लस 1 बाय 2 इनटू b की पावर 1 बाय 2 b की पावर n प्लस 1 बाय 2 b a की पावर 1 बाय 2 और यहां a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1. अक्षरा ये क्वेश्चन देख रहे बेटे, तेरे लिख रहा है मैंने ये. मतलब तू मजे ले रही है मेरे. अब बेटे इसको एक साइड ले जाना और इसको बेटे एक साइड ले जाना, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटे, चलो चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा और बोलना, 30, 31 एंड 32. 24 पहले तो 28 भी है किसी का क्या? यस सर. 28 बोलना क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. Sum of two numbers 6 times their geometric mean. हाँ जी. The 6G और क्या रखा है? Show करने की जो numbers हैं वो 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2 के ratio में. किसका question है ये? सर मेरा. किसका? मानव जी. Yes sir. ये question मैंने अच्छे से बताया बच्चों को, अच्छे से बताया. लास्ट क्लास इसी के बारे में थी बेटे शायद, बट कोई बात नहीं. याद है बेटे क्वालिटी का आपके पास राइट है, और a प्लस b की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 6 ऑफ g x. ओके, और a भी तुम्हारे पास क्या होता है बेटे, g स्क्वायर. याद है? यस सर. आया मानव जी? यस सर. आ गया. तो अब x कैसे निकालोगे बेटे, माइनस b प्लस माइनस ऑफ रूट डी अपॉन में 2 है बेटे राइट. x की वैल्यू माइनस मतलब 6 ऑफ g प्लस b स्क्वायर 36 ऑफ g स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर 4 ऑफ g स्क्वायर. मानव को याद आ रहा है? यस सर आ रहा है, वो उस टाइम पता नहीं क्यों नहीं हुआ. 32 ऑफ g स्क्वायर बेटे डिवाइड में 2 बेटे, तो ये 32 होता है 4 रूट 2. याद आया कुछ? यस सर. हो जाएगा बेटे, हो जाएगा सर. चल और बताइए बेटे कौन सा क्वेश्चन. हाँ जो 30th है, 30th जो 30th था उसमें क्या है बोलना बेटा आपका स्कोर. 31 32 तो हमने नहीं है. 31 क्वेश्चन क्या बोलना सर, 30th उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल द आर सिलेबस से कट है, वो 30 वर्ड कॉलम कट है. अच्छा चलो एक चीज बता दो फिर, इसमें था हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर. तो एट द एंड ऑफ सेकंड आवर का तो मतलब ये होगा ना कि हम सम निकालेंगे टोटल 2 घंटों का. किसने कहा तुझे एट द एंड ऑफ, मतलब पर्टिकुलर प्लेस पूछ रहा है वो, तो आप A2 निकालोगे. एट द एंड तो टोटल होगा ना, एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, एट द एंड ऑफ सेकंड आवर ना. हां तो वो A3 नहीं हो जाएगा फिर? हां जो भी है वो A3 व्हाटएवर A2 हो, A3 कैसे होगा एट द एंड ऑफ सेकंड आवर? नहीं वो सम नहीं होगा, जनरल टर्म है बेटे. अच्छा ठीक है. और 31 भी नहीं आएगा, व्हाट विल रुपीस 500 अमाउंट टू इन 10 इयर्स आफ्टर डिपॉजिट इन अ बैंक. हां तो इसका आंसर ही आंसर बड़े आसान से होते हैं बेटे, तो मुश्किल ना मत. एकदम फार्मूला बता दो क्या होता था कंपाउंड अमाउंट का. क्या निकालना है तुझे, 500 रुपए जमा करा रही है तो कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है 10% कंपाउंडेड एनुअली. अच्छा ये तो बड़ा बड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तेरे तो बेटे फिर यार. हाँ तो कोई बात नहीं बता दो. चार्जिंग तो कर लूँ. 500 1 प्लस कितना परसेंट रेट है?
10%. ये ले फॉर्मूला होता है ये. अच्छा बस यही फॉर्मूला लग जाएगा ना. ठीक है सर. और बताओ. ठीक है डन. और कोई है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किसी का बड़े. क्वेश्चन 29. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन बोलो क्या. फॉर्मूला दोबारा बेटा ये ले. क्वेश्चन क्या जरा बोलना. 29. इफ ए एंड जी बी रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी इनटू ए माइनस जी. जो आपने करवाया था लास्ट यही तो क्वेश्चन है मैडम. तो कराया हमने भी. हाँ. अरे ये तो वो क्वेश्चन नहीं है बेटे. ए प्लस माइनस जी वाला कर रही है ना तू बेटे भारती. मेरा डाउट नहीं है मैंने तो क्वेश्चन बताया. अच्छा ठीक. ये किसका डाउट है बताओ ये वाला. मेरा मैंने क्लास में कराया बेटे वाला क्वेश्चन भूल गई. एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटे. ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस में ए बी इक्वल टू जीरो बेटे. अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाय टू. ज्योमेट्रिक होता है. नहीं नहीं पूरा सुन के जा बेटे तू अच्छे से बेसिक आ गया. ऐसे कैसे आधे में जाएगी बेटे. प्लस ए बी की वैल्यू होती है जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा. यस सर. और बता बेटे कौन सा क्वेश्चन है. बस खत्म ही एक्सरसाइज पूरी. फटाफट से आ जाओ बेटे मिसलेनियस पे. आ जाओ बेटे फटाफट से मिसलेनियस पे. 24 कौन सा एग्जांपल. 22 सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटे आपके किसके. मिसलेनियस के. मैंने चार को चार छोड़ रखे हैं. 21 हां नहीं वो समझ नहीं आए. मैं कराता हूं बेटे चार को चार एग्जांपल. लो अभी लो. हां महक एक फोटो भेजियो अपनी चारों क्वेश्चनों की. चारों क्वेश्चन शानदार. रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ बेटे. देखो रिकॉर्डिंग चल नहीं रही क्या बेटे. हो हम तो पॉज कर रखे रिकॉर्डिंग. ओहो देख मैक तू आज पे लोग ग्रीमा ने भेज दिया क्वेश्चन. चल मैक तो किसी काम की नहीं है बेटे. कितनी बार तो बोलता हूँ तेरे को मैं भेज दे क्वेश्चन भेजती नहीं है. रहन दे मैक तू. अब नहीं चाहिए मैक मुझे. रहन दे किसी काम की नहीं है बेटे. तो इसका ना मेरे पास बड़ा अच्छा जवाब है. आप ऑफलाइन में नहीं बता हैं क्या कह रही है. इसका बड़ा अच्छा जवाब है मेरे पास. आप ऑफलाइन में दिल मिल लगी. ये बेटे ऑफलाइन मेरी बजाती है बेटे. मैं ऑनलाइन बजा दौड़ सा बस. ये कीमत आज ना अभी घर को होते ना. अभी घर को होते ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती यार. अच्छा चलो बेटे तो क्वेश्चन कर ले जरा. पियत क्यूवत आरत और एसेट टर्म ऑफ एन एपी. पियत क्यूवत आरत एंड एसेट टर्म्स ऑफ एन एपी. R in GP. ये क्या पंगा है बेटे क्वेश्चन में. Then show that P minus Q और Q minus R और R minus S are also in GP. किसी का ये क्वेश्चन हुआ बेटे वाला. ऐसे नहीं आया था. Recording in progress. सैंपल का सॉल्यूशन देख के समझ आ गया था कि कैसे करना है. अगर तुमको सोल्यूशन देख के समझ आ गया ना तब भी तुमसे क्वेश्चन नहीं हो सकता. सोल्यूशन तुमको कैसे समझ आ गया इसका. आ सकता नहीं आ सकता. चल तू बता कैसे आया इसका आंसर. छोड़ तू बता कैसे आया आंसर. मैं जो जो कहेगी तो बाबा लिखूंगा. चल लिखवा. पहले तो सारी पी क्यू आर एस टर्म्स को हम लिख सकते हैं. मतलब जो देखो चलो इतना बात तो समझाता हूँ. पीएत क्यूएत आरत एसेट टर्म्स एपी की है. ये सब जीपी में है. मतलब है ये एपी एपी ए क्यू ए आर ए एस टर्म ये किसकी है. एपी की. बट इनका ये इनके बीच जो रिलेशन है ना आपस के बीच वो जीपी में है. मतलब ऐसे कह सकते हो. हम लिख सकते हैं ना ए प्लस पी माइनस वन डी. हाँ लिख सकते हैं. इसका मतलब ये ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू
और ए एस बाई ए आर है, यही है ना बेटे, इनका रिलेशनशिप जीपी में है ये, और ये वैसे एपी है, मतलब ए प्लस पी माइनस वन डी है लाइक ये। मैं तो सारी फोटो ना भेजो, आ गई है मगरी, मैंने भेज दिया है, ड्रामे कर रही है। अब गई है। अच्छा ऐसा है क्या? पता नहीं भेजी थी। हाँ। चलो एपी एक्यू ए आर ए एस ये मेरे पास है बेटे, तो ये आपके सबके सब एपी में है और रेशो आपके पास गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या खास बात आती है ध्यान सुनना। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एपी एक्यू ए आर ए एस आर अदर टर्म्स ऑफ एपी और इनका रेशो जीपी में, और शो करना मुझे पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर आर माइनस एस ऑल्सो जीपी। अगर ये पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर आर माइनस एस ऑल्सो जीपी है तो फिर मुझे प्रूफ दैट ये करना हो गया क्यू माइनस आर अपॉन में पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन में क्या है यहाँ पर क्यू माइनस ऑफ आर, मुझे ये प्रूफ करना हो गया बट राइट। अच्छा एक ईमानदारी से एक बात बताओ, चलो छोटे से पॉइंट है इसमें आपके, तो एपी एक्यू ए आर ए आर से राइट है, ये आपके पास गिवन है एक तरह से और ये भी आपके पास गिवन है एक तरह से, प्रूफ मुझे ये करना है, ठीक है। हाँ गरिमा बता क्या करूंगा बेटे मैं जरा। मैंने सो इसमें जैसे जो चारों टर्म्स हैं वो बताए हुए एपी के हैं, तो उन चारों टर्म्स को पहले खोल देंगे, एपी हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन डी, सिमिलरली एक्यू और ए आर और ए आर ए एस को वैसे लिख दो, और जब हमें पता है कि एपी AQ upon AP is equal to AR upon AP AQ होगा क्योंकि वो चारों GP में है। आगे तो अगर numerator denominator की terms आपस में equal है तो उनका जो difference होगा वो भी ratio में equal ही होगा। किसने कहा इधर को? तो मतलब किसने कहा है कि दो numbers का ratio अगर बराबर है तो उनके difference का ratio बराबर होगा? नहीं, अगर ऊपर न्यूमिरेटर्स जो हैं आपस में न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, ये आपकी तो मान्यता है या आपके पास इसके लिए कोई फैक्ट है? शायद अगर कोई एग्जांपल डाल के देखे तो ऐसा ही होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ शायद, आर यू श्योर अबाउट इट? आर यू श्योर अबाउट इट? No. आओ बेटे, ये गिवन पार्ट है मेरे पास, अब इसलिए बोला था बेटे अगर तू आंसर देख के बता देगी ना तभी मान दूंगा। जा AQ by AP is equal to AR by AQ is equal to AS by AR है बेटे, राइट? ये सब रेशो में, लेट अस सपोज द रेशो इज K, मैंने इसे K मान लिया बेटे सॉल्व करने के, राइट? सब बच्चे ध्यान से बात को सुनना, AQ by, कोई दिक्कत तो नहीं, रेशो सेम होगा या नहीं होगा इनका बताओ, गलत है या ठीक है यहाँ तक? सर बाकी सब सही है। सर एक बात बताओ, जो हम जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, तो हमें जैसे जो भी प्रूफ करने के लगा p माइनस q, हम क्या करते हैं, हम पहले उसमें वैल्यू पुट करते हैं सब में, और फिर LHS और RHS को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, ना कि जिसमें मेथड दे रखा है मतलब बुक में वो अप्रोच यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करके उनमें वैल्यूज पुट करता है ये एपी एक्यू एआर एएस की। तो तू एक बात बता, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ राइट, तो तेरा आंसर ए ए डी में आता है या तेरा आंसर क्यू और आर में आता? सर हम जीपी में भी दे रखे हैं तो ए और आर की फॉर्म में ले लेते हैं। तो ए और आर की फॉर्म में कैसे आता मेरे भाई, यही तो बात है सबसे बड़ी बात, कैसे आता? दे नहीं रखा पी क्यू आर एस एन एस सेट टर्म, कहां दे रखा है? दे तो रखा है सर, इफ पी क्यू आर एस टर्म है, नंबर नहीं है, टर्म है मेरे भाई, टर्म है वो, और वो टर्म अपने आप में माइनस 1 नहीं हो जाएगा इस टाइप से, पी माइनस 1 एस माइनस 1, पी माइनस 1 और P minus 1 मतलब ARP minus 1 हो जाता है, ARQ minus 1 हो जाता है, AR तो मल्टीप्लाई करोगे ना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, A square A square सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बट एक बहुत बड़ी महाभारत होगी उसके अंदर बस, और कोई फर्क नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना। अब सर यही बात है, अप्रोच हमें कैसे पता चलेगी बेटे, जीवन है बेटे, संघर्ष चलता रहेगा, टेंशन ना ले। मैंने कहा AQ by AP is equal to K है बेटे, और AR by AQ is equal to बेटे मैंने क्या मान लिया आपके पास, K मान लिया, गलत है ठीक है?
बोलो गलत है, ठीक है? ठीक है। तो AQ is equal to K times of AP होगा और AR is equal to K times of AQ होगा। Yes. ये फर्स्ट ये सेकंड मान ली, अब मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, बताओ क्या आएगा? AQ minus of AR is equal to K times of क्या आने वाला बोलो? AP minus of K times of AQ। और ये आपके पास आ गया बेटे, अब K कॉमन लेके AP minus of AQ, यहाँ आ गया AQ minus of AR। इसका मतलब आपके पास K फिर से इक्वल आ गया AQ minus of AR और AP minus of क्या बेटे? AR AQ। सही है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? No sir. What is the AQ? A plus Q minus 1 of D. AR क्या होगा? Minus A R minus 1 of D. AP होगा A plus P minus 1 of D minus of A minus Q minus 1 of D बेटे. A से A गया, A से A गया. तो D common ले लिया बेटे मैंने यहाँ पर. Q minus 1 minus 12 साइन चेंज हो जाएंगे बेटे आपके. D बेटे यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया बेटे. क्या बनेगा? P minus 1 minus Q plus 1 बेटे. तो D से D कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल. So Q minus R upon में P minus Q आ गया बेटे. This is K. गलत है, ठीक? सही है? हाँ जी बोलो, क्लियर है नॉट यहाँ तक ये बात? Yes. यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है बोलो? Yes sir. अब मैं एक सिंपल सा पॉइंट तुमसे पूछूंगा, जवाब देना बेटा अगर आप दे सकते हो तो. अगर आपने ये दो रेशो उठाई, ये दो AQ by AP और AR by AQ, ये क्या आया बेटा आपके पास उठाने पर? Q minus R upon में P minus Q आ गया. अब गेस मारना, अगर मैं AR by AQ और AS by AR उठाऊंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है? सेम K मानकर गैस मारो. चलो R minus S upon Q minus R क्या आएगा? R minus S upon Q minus R. ये K की वैल्यू आई. Q minus R किसकी वैल्यू आएगी? K की वैल्यू आएगी ना? Yes. अब दोनों K के आपस में बराबर हो तो क्या आएगा? Q minus R upon में P minus Q is equal to R minus S upon में Q minus R आ गया सेम. और यही आपको बड़े प्रूफ कर देगा. तो यहाँ पर आपको पेपर में अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया हम कैसे करेंगे? है बेटे पेपर में अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया हाँ तो कैसे करेंगे बेटे? आप ऐसे क्यों समझते हो? बेटे मैं फिर से आपके सामने एक सवाल खड़ा करता हूँ, वो सवाल का आंसर आप खुद से देना अपने आप को, ठीक है? आप पहला तो विदित जी का आंसर का जवाब दूंगा. सबसे पहला आंसर, सर अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात ये, आपका पेपर एमसीक्यू है, ठीक है? अगर देने वाला टीचर इस क्वेश्चन को आपको देता है तो क्या आप इसको एमसीक्यू मानेंगे? नहीं ना. तो टीचर को आप सबसे पहले तो बेवकूफ मत मानो. दूसरा, दुनिया भर की सारी दुर्घटनाएं आपके साथ हो बेटे, आप इसमें भी विश्वास मत करो. इज नॉट अबाउट द वन मार्क क्वेश्चन अगेन बेटे, ठीक है? और दूसरी चीज, मैं गरिमा जी की बात बोलता हूँ, सर ये बहुत मुश्किल है बेटे. जीवन में आसान क्या है ये बता दो जरा मुझे. आप पढ़ाई करते क्यों? हाँ तो मत करो, छोड़ दो बेटे. आपके पास ये क्या? मैं फिर से बहुत स्पष्ट हूँ बेटे इस पॉइंट के साथ. अगर आपको लगता है कि आप छोड़ दो, आप क्यों ड्रामे कर रहे हो बिना मतलब के? अगर आपके पास इतनी ताकत है कि मैं इस सिस्टम को नहीं मानता हूँ तो एक अलग चीज है बेटे. फिर आप एक बहुत जबरदस्त इंसान होंगे. ऐसी बेवकूफी भी करने वाले कम लोग होंगे वैसे तो, बाकी आपकी मर्जी है. अब तीसरी बात किसने बोली? भारती जी. भारती जी, कंफ्यूजन होना इस बात की निशानी है आपका दिमाग काम कर रहा है, ये निशानी है बेटे. तो इसलिए आप कंफ्यूज होइए, लेकिन उसके बाद आपको आंसर मिलेगा. अब बता कहां दिक्कत है भारती? पहले तो कहाँ से ये बता मुझे, कहाँ से? यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करो, जो आपने स्टार्टिंग में समझाया था ना वहाँ पे. क्या बता बोल, कहाँ पे? ये इक्वेशन वन एंड टू से थोड़ा सा. इक्वेशन वन टू, ये रहा वन टू.
वन में क्या किया मैंने, वन माइनस टू किया बेटे मैंने, ए क्यू माइनस ए आर और के टाइम्स ऑफ ए पी माइनस के टाइम्स ऑफ ए क्यू, ये किया मैंने, देखते हमें ले। तू कहती राइटिंग प्रॉब्लम, वो मैं कर सकता हूँ दूर, ये ले साफ साफ लिख दिया, अब तो मुझे गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये के बार कॉमन ले लिया बेटे मैंने, सॉल्व किया, आंसर मिल गया मेरे पास यहाँ पे। और ये हमें गैस करके निकाला है, तो साइड में आपने बताया था क्यू माइनस आर अपॉन टू माइनस गैस क्यों करना, गैस क्यों करना, तो इसको भी के मान के सॉल्व कर ले जैसे तूने ये वाला किया है, ठीक है ना। सेम आंसर आएगा, ऐसा लिख सकते हैं सिमिलरली वगैरह लिखते हैं। हाँ हाँ सिमिलरली से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरली से बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर टर्म टू में मतलब ये वाला चैप्टर नहीं आया, टर्म टू में वाला चैप्टर बेटे पता नहीं स्कूल का सिस्टम है बेटे, आई डोंट नो। रोड मत करो, इससे ज्यादा दिमाग जेल नहीं पाएगा। क्या रहा जेल नहीं बेटे, आज तो चलने दे, मैं यही बोलने वाली थी। आज तो माता रानी का जगराता, चलने दो बेटे बस। यार सर दिमाग में बाद में ले एक बार थोड़ी सी ऊपर करना, स्क्रीन शॉट लेना, कुछ अब जाएगा नहीं दिमाग में है बेटे, दिमाग अब बस हो गया, लिमिट होगी उसकी दिमाग की बेटे, पहले ही नहीं है और ऊपर से कह रही है। सोम्या कह रही है कल पेपर भी है सर, ठीक है आप जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं डाउट नहीं रखूंगा बेटे, मैं डाउट आज महक को हमने प्रॉमिस किया बेटे, उसका डाउट खत्म। लो फिर सर रिकॉर्डिंग डाल दोगे ना, मेरे डाउट्स को तो 3 घंटे और लगेंगे अभी। सर ये वाला जो भी आपने मेथड यूज करा था इस क्वेश्चन को करते वक्त, ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में लगता है या फिर कोई और टाइप का क्वेश्चन भी उसमें भी लगता है? हाँ बेटे। सर ये वाला जो मेथड आपने यूज करा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये वाला सिर्फ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में लगता है कोई और टाइप का क्वेश्चन? बहुत टाइप के क्वेश्चन बेटे सॉल्व कर सकते हैं, जहां रेशियो की बात आएगी वहां सॉल्व कर सकते हैं बेटे, जहां रेशियो आएगा बात करो। फिर बाकी डाउट कर ले लोगे। सर इस टाइप के फिर एक दो क्वेश्चन बता दो, कर लेंगे प्रैक्टिस बेटे। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है, इधर जरा मशीन्स के चारों क्वेश्चन मुझे करने दो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, a रेस टू पावर 1 बाय x इज इक्वल टू b रेस टू पावर 1 बाय y और c रेस टू पावर 1 बाय z। सर रिकॉर्डिंग डाल देना बेटे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा बेटे इस क्वेश्चन की। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। a रेस टू पावर 1 बाय x, a b raise to power 1 by y, c raise to power 1 by z, prove that करना है बेटा आपको इसमें, x y z जो है बेटे वो ap में है और a b c d gp में है, a b c gp में है, a b c gp में है, prove करो x y z बेटे ap में होंगे आपके पास। तो a b c अगर gp में है आपके पास तो क्या होगा, b by c sorry b by a is equal to c by b, c by b बनेगा, तो b square equal to हो गया ac। चलो और अगर मुझे x y z ap proof करना है तो मुझे proof करना पड़ेगा y minus x equal to z minus y, which means 2y is equal to क्या बड़े z plus x, तो मुझे ये two proof करना है, ये given है मेरे पास और ये भी नलायक given है। a की power 1 by x is equal to b की power 1 by y is equal to c की power 1 by z। कितने लोगों को मालूम है a की बार 1 by x is equal to b की बार जो 1 by y है, तो वो क्या बनेगा आपके पास, let us suppose ये 1 by x वहां जाके बेटे क्या हो जाएगा मालूम आपको, x by y, गलत है ठीक, पता है आपको 1 by x पलटी मार के वहां पे x हो जाएगा। नहीं ऐसे कैसे x के उसी पार हटा दी, मान लीजिए मल्टीप्लाइड विद द पावर ऑफ x। हां ये मान लो तुम दोनों साइड मैंने 1 x x से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, अब मेरे पास इसके बाद क्या है, बी की पावर 1 बाय वाई और सी की पावर 1 बाय जेड, सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू बी की पावर जेड बाय वाई,
जेड बाय वाई बेटे, जेड बाय वन बाय जेड हो जाएगा, जेड हो जाता है बेटे पल्टी मार के वहां। तो बी स्क्वायर बाय ए सी मेरे पास गिवन है पहले से ही, तो मैंने बोला ए की वैल्यू कितनी है बी ऑफ एक्स बाय वाई, सी की वैल्यू यहां से निकाल ली बी ऑफ जेड बाय वाई, बी का टू, तो बेस सेम पावर ऐड कर दो एक्स बाय वाई जेड बाय वाई इक्वल टू बी की पावर टू, तो ये बी हो गया एक्स प्लस जेड बाय वाई बी की पावर टू, बेस बेस सेम है पावर सेम हो जाएंगी, एक्स प्लस जेड बाय वाई इज इक्वल टू टू, तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई बेटे टू ऑफ वाई, प्रूव हो गया बेटे जो करना था आपको। सर मैंने जो कहा था कि मल्टीप्लाई विद द पावर ऑफ एक्स, तो सेम बात जो है। वो किस चीज की पावर होगी, मतलब एक्स जो होगा उसका नीचे नंबर क्या होगा, किसका नंबर? अगर क्योंकि अगर हम कहेंगे मल्टीप्लाई विद द पावर ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो बी की तरफ आ नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, वो समझ नहीं आया। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं मतलब? फर्स्ट स्टेप से आप सेकंड स्टेप पे कैसे आए डायरेक्टली? ए टू द पावर वन बाय एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर वन बाय वाई से आप ए इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स बाय वाई पे कैसे आई? वन बाय एक्स वहां जाके बेटा एक्स हो जाता है, ये तुम्हारे सीख के नहीं आया तुम लोग क्या बचपन? कैसे डायरेक्ट पावर को कैसे लेके जा सकते हैं जब दोनों का बेस ही अलग है? पूछ रहे हो ना, हम नहीं सीखे हैं, मेरी बात आप सिखा दो। यार एक बात बता मुझे, छोड़ सब बात है, ठीक है चल ये बता, रूट एक्स का इज इक्वल टू एक्स की पावर वन बाय टू होता है? हाँ जी। और अगर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वन बाय टू है तो वाई फिर मैं खुद अपने लिखती रहे, मेरी बारी आया तो कुछ भी बोलेंगे है कर दिया बेटे। इसमें एनसीईआरटी में एक सॉल्यूशन में के लिया हुआ है, जैसे आपने ऊपर वाला करवाया था ना, उन्होंने नीचे वाला के लिया हुआ है। जी मैं एनसीईआरटी रट्टा नहीं मारता सर, इसमें मैं भी रट्टा नहीं मार रही, मैंने देखा था बस। हाँ और बताओ बेटे। सर जैसे इसमें था कि a comma b comma c are in gp, तो उससे हमने कहा कि b square is equal to ac, राइट बेटे? तो ये चीज हमें गिवन थी ना? गिवन है बिल्कुल बेटे, गिवन है। ठीक है सर, चलें बेटे आगे नेक्स्ट पर। ये बात बताना एक बार। आओ बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे क्या आपके पास सर। हां b स्क्वायर इक्वल ax के बाद ac के बाद बताना एक बार बेटे। a की वैल्यू निकाल लेना यहां से, देख बेटे यहां पे जो a की वैल्यू है बेटे b रेस टू x / y, और c की वैल्यू है बेटे आपके पास, c की वैल्यू कितनी है आपके पास b रेस टू / z / y बेटे, तो वहां वैल्यू डाल दी बेटे वहां पे, ठीक है? ओके सर, ठीक है डन। ठीक है सर, आइए बेटे पल्किन, और कौन सा डाउट तेरा बोल बेटे। मेरा कोई भी नहीं है। सारे खत्म तेरे डाउट बेटे? हाँ, बस एलिमेंट्स रह गए। बच्चों के जो खत्म कर देंगे, ए बी सी डी एंड पी, ये सारे डिफरेंट नंबर्स हैं। चलो मान लिया डिफरेंट नंबर, ये दो क्वेश्चन तो खत्म कर दूं बेटे, फिर उसके बाद जो बच्चे कहेंगे एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स करा देंगे, ए बी सी डी एंड पी, नहीं तो युग को क्लास कराएंगे बेटे। आइए ए बी सी डी पी के बेटे डिफरेंट नंबर है बेटे आपके पास सबके सभी है, तो क्या क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साथ में क्या बेटे आपके पास पी स्क्वायर माइनस और ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी टाइम्स ऑफ पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो बेटे। एक मिनट बेटे, बस साथ साथ ये क्वेश्चन है बेटे आपके पास, और क्या प्रूफ करना है आपको इसके अंदर, शो करना है बेटे आपको ए बी सी डी जो आपके पास है वो जीपी में होगा बेटे। देखो ध्यान से, एक छोटा सा काम बेटे, बस मैं एक मिनट मैसेज डाल दूं बच्चों को 12th वाले कल का क्लास का, बेचारे वो परेशान होते रहेंगे तो बेटे, ऐसे एक सेकेंड बेटे बस।
एक सेकंड मेरे पास हो गया। हाँ जी आइए फटाफट से। ए बी सी डी पीपीट आपके पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास क्या है, यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया। अब मैं शुरू करूँ, ध्यान से सुनो जरा, यहाँ पर एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ, ओनली इन वन सेकंड। ए बी सी डी जीपी में शो करने का मतलब क्या है बेटे, आप सोचो कि बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, ये ना बेटे आपस में बराबर होंगे, राइट और रॉन्ग बोलो फटाफट से। अगर ये जीपी में है तो मैंने इसको उठाया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ऑफ पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपके पास है बेटे यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करो बेटे, क्या आंसर बनता है बेटे, आपको देखो ध्यान से यहाँ पर, ए स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर बी स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर माइनस टू ए बी पी माइनस टू बी सी पी माइनस टू सी डी पी बेटे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब जरा गौर से बात को समझना बेटे, इज लेस देन इक्वल टू जीरो, आप फॉर्मूला बन रहा है बेटे ध्यान से, कोई ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, याद है बेटे किसका फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला होगा ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, करके देख लो Yes. कर लो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बेटे प्लस बी स्क्वायर माइनस हो बेटे क्या टू ए बी पी, ठीक है। अब उठा लीजिए ये वाला एक और दूसरा फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी सी पी बेटे, क्या फॉर्मूला बनने वाला है ये, बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर। हाँ ये बी स्क्वायर पी क्या चीज स्क्वायर है, हाँ तो लास्ट वाला पार्ट क्या आपके पास, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू सी डी पी और प्लस में डी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर, राइट और रॉन्ग, राइट। ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, तीन पॉजिटिव टर्म का सम कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता बड़े, इक्वल टू जीरो हो सकता है, यानी ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेस देन हो सकता। अब जीरो कब होगा, जब जब बेटे ये वाला वैल्यू जीरो होगा, जीरो होगा और जीरो होगा तभी बेटे होगा ये, यानी ए पी माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा, तो ए पी इज इक्वल टू बी, पी की वैल्यू आ गई बी बाई ए, बी पी माइनस सी इक्वल टू जीरो एंड p की वैल्यू आ गई बेटे आपका c बाई बी बेटे, और सी पी माइनस डी इक्वल टू कितना जीरो, p इक्वल टू डी बाई सी, तो सी पी इज इक्वल टू डी, p की वैल्यू क्या आ गई बेटे d बाई सी, राइट बेटे, ये तो इजी है। सर इस टाइप का क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था ना टेंथ में, कोई जीरो वाला
चले बेटे आओ फटाफट से। हाँ बेटे बोलो क्या कह रहे हो। तो पी आपके पास क्या आ गया बेटे, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी एंड डी बाई सी, ये आपका इक्वल हो गया बेटा आपके पास। ठीक है डन, यही आपको बेटे प्रूफ, यही आपको बेटे प्रूफ करना था। चले बेटा आगे। सर हाँ बेटे बोलो। फिफ्टी तक खत्म हो जाएगा क्या चीज? 950 तक हो जाएगा। नाइन हाँ बेटे हो जाएगा बेटे, आपके लिए ही है मेरे लिए थोड़ा है। डाउट्स अब डाउट्स बोल करो, आओ नेक्स्ट बेटे देखो क्या है, फटाफट से आना बेटे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा बोल महक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कराऊं वो बोला आता है, बोला नहीं वो तो आता ही नहीं। करा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलो जरा बेटे। इफ पी क्यू आर आर इन जी पी एंड द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू आर इन जी पी and the if equations q r r in gp and the equations px square plus 2qx plus r is equals to 0 and dx square plus 2qx plus r is equal to kya bete 0 yahi hai na aapke paas? Yes chaliye. And dx square and dx square plus 2ex 2qx na ya ex 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 प्लस प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो प्लस क्या बेटे एफ प्लस क्या आपके पास यहाँ पर एफ 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 अच्छा इक्वल टू जीरो बेटे हैव अ कॉमन रूट यस देन शो दैट डी बाय पी इज कॉमा ई बाय क्यू कॉमा एफ बाय आर आर इन एपी बस बेटा मैं लिखूंगा बेटे बस हो गया शो दैट D by P, E by Q और F by R in AP. PQ are in GP बेटे and the equation this and this जो have a common root बेटे। अब ध्यान से बात को सुनना बेटे यहाँ पर। अगर आपके पास PQR है और वो GP में है और and equation दो आपके पास given have a common root, तो अगर इन दो equation का root common है तो इसकी एक्स की वैल्यूज क्या इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? बोलो करेंगी नहीं करेंगी बेटे, करेंगी या नहीं करेंगी बोलो बेटे। करेंगी पक्का करेंगी? यस सर, इसकी दो वैल्यू आएंगी तो एक ही करेगी ना, एक ही कॉमन रूट है। हाँ तो उसको सेटिस्फाई करेगी उसकी वीडियो, उसको करेगी करेक्ट है ना बात को? यस सर। चलो निकाल लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। px square plus 2qx plus r equal to 0 इसका roots क्या आते हैं देखते हैं, let's see। सब pqr gp में ये भी given है, q by p is equal to r by q, so q square equal to pr बेटे, right? ये आपके पास हो चुका है, so x is equal to minus b plus minus root d upon में 2 है बेटे। एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है आपका सब माइनस ऑफ टू क्यू प्लस माइनस सर जो कॉमन रूट है वही दोनों की वैल्यूज को करेगा ना सैटिस्फाई आपस हाँ में। हाँ हाँ बिल्कुल, पता उनका कोई ऐसा भी रूट हो जो एक एक इक्वेशन की वैल्यू को करता हो दूसरे की ना करता हो? बेटे कॉमन रूट का मतलब क्या होता है बेटे? नहीं कॉमन रूट तो एक ही है ना, तो यहाँ पे तो x की दो वैल्यूज आएंगी ना, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू दोनों इक्वेशंस में डल गई? अभी निकाल लूँ फिर देखते हैं कितनी आती है जरा है। सॉरी निकालने के बाद ही बच रहेगा ना बेटे, दो है अब तेरी मान्यता पे कैसे लूंगा मैं? नहीं क्वाड्रेटिक है ना इसलिए मैंने बोला दो होंगी। हाँ 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 बिल्कुल बेटे, वेरी गुड बेटे, इंटेलिजेंट। क्या बोलते हो b²-4ac(4pr) राइट, तो x की वैल्यू आ गई माइनस टू क्यू प्लस माइनस, ये शून्य हो गया, ये 2p हो गया।
x की वैल्यू आ गई q by p विद नेगेटिव साइन। जीरो कैसे हुआ? जीरो कैसे हुआ? ये देख बेटे, ये रात यार, q square is equal to pr given in the question, q square की वैल्यू अगर pr है तो 4q square minus of 4q square बेटे क्या होगा बता, जीरो हो जाएगा ना, बोलो गलतियां ठीक। यस तो आओ और ध्यान से बात करो, समझ रहा? अब प्रूफ करना है बेटा आपको क्या, सो ये गिवन है d of x square plus में 2ax to ex plus में f equal to 0 बेटे, ये आपके पास है यहाँ पे राइट। तो जो आपके पास बेटे आपका x है माइनस q by p, वो इसको सेटिस्फाई करेगा आपके पास, ठीक है? तो यहाँ देखो क्या आपके पास q square by p square plus 2e of minus of q by p plus f equal to 0 राइट बेटे, तो ये आपके पास आ गया बेटा। जरा ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक आ गया, तो लिखा मैंने d of q square by p square minus 2eq by p, उसके बाद बेटा आपके पास यहाँ आ गया plus f equal to 0, माइनस वाले को उस साइड ले गया मैं, twice of eq by p वैसे ले गया, दिल कर रहा था, चलो यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है जरा बताना फटाफट से, फिर मुझे प्रूफ क्या करना है? अगर ये AP में है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है? अगर ये AP में है तो E by Q minus of D by P is equal to F by R minus of E by Q. So EP minus Q of D upon में QP. और FQ minus of क्या बेटे? R by E. आर ई अपॉन में क्या बड़े आर क्यू, सही है? ये तो प्रूफ करना है ना कि एपी में, तो हमने खुद क्यों ले लिया एपी में? ये तो प्रूफ करना एपी में, मतलब ये बराबर होंगे फिर इसमें, फिर इसका आंसर आपको ये प्रूफ करना होगा ना, टू ई बाई क्यू ऑफ एफ बाई आर प्लस डी बाई पी, ये आपका टू प्रूफ होगा। अब ठीक है, समझ नहीं आया लास्ट टाइम बताना। अगर ये तीनों एपी में है तो इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा ना आपके पास? हाँ जी। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है आपके पास तो मुझे ये प्रूफ करना होगा ना, ये बराबर होंगे आपस में। हाँ। तो ये प्रूफ करना होगा, ये टू प्रूफ हो गया। ये एनएचएस टू ई अपॉन क्यू कैसे आ गया? क्या कह रही है? एनएचएस टू ई अपॉन क्यू कैसे आ गया? एक ई बाय क्यू और ये माइनस ई बाई क्यू, यहाँ जाके मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना? तो हम ऐसे कर सकते हैं उल्टा फुल्टा करके, अभी से प्रूफ करो। तो ये बेसिकली मेरा काम आसान हो जाएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बड़ी, ये प्रूफ करना अपने को। अब मुझे यहाँ पर ना देखो, मेरे पास इक्वल टू में ई भी है, खुशी की बात है। मुझे क्या नहीं चाहिए? टू भी चाहिए, वाह भाई वाह, बताना मुझे क्या नहीं चाहिए, बोलो क्या नहीं चाहिए? मैंने क्यों नहीं चाहिए तो मैंने क्यों से दोनों से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। कोई समस्या किसी को? यस। और मुझे क्या नहीं चाहिए बताना, और मुझे क्या नहीं चाहिए? 1/p। मुझे p भी नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ p से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। कोई समस्या किसी को? सर ऊपर भी p और q से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो कर तो दिया दोनों साइड मैंने, दोनों साइड क्यों से डिवाइड किया p से मल्टी, कोई दिक्कत तुमको? बताओ जल्दी से। अब देखो क्या आएगा, p से p कैंसिल, q से q, क्या बचेगा? 2e। हां q तो ना कैंसिल करना मुझे, ओए ये तो q स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो यहां पे मुझे यहां पर q स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि q मुझे ऊपर है ना बट नीचे, तो यहां भी q स्क्वायर, यहां भी q स्क्वायर, समझाया? क्यों पता मैंने q स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमें q चाहिए। एग्जैक्टली, ऊपर q है नीचे नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाला। बेटे देख यहाँ तक समझ आया तुझे सब कुछ? बेटे देख यहाँ देख, यस ये तो समझ आ गया ना, यहाँ देख ठीक है अब तो, यहाँ तक तो। चल बता तुझे इक्वल टू में यहाँ क्या, टू ई बाई क्यू प्रूफ करना है? टू ई बाई क्यू राइट और रॉन्ग? यस। अब ये बता नीचे क्यों कैसे आएगा? क्यों का स्क्वायर कर दूं तो नीचे क्यों आ जाएगा कट के यहाँ पे देखे यहाँ? यस। तो क्यों एक साइड ना, दोनों साइड करना पड़ेगा मुझे राइट?
अब मुझे आंसर में पी नहीं चाहिए बेटे, तो पी को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटे मैं, बोल गलती है ठीक। यस सर। अब पी से भी कैंसिल हो जाएगा एक क्यू से क्यू, यहाँ बचेगा टू ई बी क्यू राइट। अपना जरा वो भी तो बंद कर ले माइक सर, जैसे आपने e अपॉन q को LHS में ले गए मतलब साथ में आगे ताकि 2eq आ जाए, वैसे मैं पूछ रही हूँ जब प्रूफ करना होता है तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटे, ये तो अभी हो गया ना कि हमने खुद ही एक नई स्टेटमेंट बना ली प्रूफ करने के लिए, बिल्कुल अपने हिसाब के लिए बना ली, अपने अपने कंफर्टेबल के लिए बेटे। ओके सर। अरे यहां तो क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर था, मैंने गलती की है, पी स्क्वायर है ये, एक पी से पी चला गया, ये बच गया यहां पर डी बाय पी, ठीक है। और पी की वैल्यू क्या है बेटा आपको पता है आपको? हमने मल्टीप्लाई बाय पी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय पी अपॉन क्यू स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर है मेरे पास, क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर है ऊपर से, याद करो क्यू स्क्वायर पी आर है ये आपके पास, तो मैंने यहाँ डाल दी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, तो पी से पी गया तो डी बाय पी आ गया, एफ बाय आर आ गया और टू ई बाय क्यू आ गया राइट। सही है, पार्ट आपका खत्म होता है यहां सर। एक बार बिल्कुल टॉप पे लेट के था ना क्वेश्चन पे, टॉप पे लेके जाऊं, ये ले गया टॉप पे लेके। बस सर आप थके नहीं हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटे, बताओ तो नो सर अब तो थक गए यार, प्लीज छोड़ दो। आप नहीं थक गए, सुबह से एक चीज पढ़ाए जा रहे हो। Recording stopped. मैंने सुबह से पढ़ाया नहीं ना बेटे आज। बस अब सारी एनर्जी हम पे लगाओगे, 6-7 घंटे का मैराथन करने वाले हो। बल्कि डाउट से तेरे बेटे। सर अच्छा एक चीज हो गए। एक चीज बता दो। बोलो। मिसेलेनियस का एक बार आपके पास एनसीईआरटी है? मैं आपको पिक्चर भेज रही हूं मिसेलेनियस का, जो क्वेश्चन है उसमें से बता दो क्या क्या कट है। ठीक है बेटे, ठीक है सर, वो वाला बता दो। आ जाओ बेटे, क्वाड्रेटिक वाला। मिसलेनियस का क्वेश्चन आओ बेटे, व्हाट से कौन सा अक्षर क्वाड्रेटिक वाला ले बेटे, बताता हूं एक बार मैं निकाल लूं क्वेश्चन का बेटे, वो वाला मुझे याद नहीं है क्या अक्षर 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 सब भेज दिया मैंने आपको। एक मिनट बेटे, अक्षर का क्वेश्चन है नहीं तो बेटे बहुत डांटेगी मुझे अभी क्लास में भी है। एक मिनट बेटे, फिर मिसलेनियस के डाउट ले रहा हूँ, एक मिनट बस। मिल गया अक्षरा, अक्षरा क्या क्वेश्चन था बता बेटे, वाला क्या दिक्कत आ रही थी अक्षरा इसमें? सर मेरा आंसर गलत आ रहा है, आप एक बार ये देखो मेरा मेथड सही है क्या। आपका आंसर देखो बेटे सही है गलत है बेटे, ये मेथड देख लो आपका। एक सेकंड रुको बेटे, एक सेकंड रुको जरा, माइनस टू एक मिनट रुक जा बेटे, मैं देख रहा हूँ तेरा आंसर, मैं तुझे बेटे ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ सामने, ठीक है उससे तेरे को समझ आएगा। तूने क्या किया इसके अंदर, तूने क्वाड्रेटिक मान लिया ना मेरे, cos थीटा इज इक्वल टू x मान लिया ना? यस सर। तो y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स एक्स प्लस फाइव हो गया राइट बेटे, और नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा राइट। हाँ जी ठीक है। इसके बाद तूने क्या किया इस क्वेश्चन में, माइनस बी बाय माइनस, ये प्लस माइनस आएगा ना बेटे रूट्स? नहीं है, ये ऐसे नहीं होता कि जब वर्टेक्स यही तो आती है। हाँ वर्टेक्स बेटे यही होती है, वो बात तेरी बात समझ गया। फिर तूने वाई की वैल्यू क्या ली इसके अंदर, एक मिनट लुक मैं चेक कर रहा हूँ, सॉल्व कर लो थोड़ा सा साथ साथ।
देखते हैं सामने बेटे ग्राफ आ रहा है सामने, देख मैं ला रहा हूँ माइनस टू, थोड़ी गलती नजर आ रही है परेशान में। माइनस टू और माइनस सिक्स है ना, प्लस फाइव है ना बेटा एक्स्ट्रा लास्ट में सर आंसर में। हाँ एक मिनट देखती हूँ आंसर, मुझे याद नहीं। नहीं मैं मेरा आंसर बेटे इसमें आ रहा तेरे लिए द मैक्सिमम आंसर इज पाई बेटे। सर हमने भी क्वेश्चन भेज दो क्या आ रहा है ऐसे मूर्खों की तरह। मेरा मैक्सिमम वैल्यू बेटे आ रहा है 9 आ रहा है बेटे 9 इसमें। हां हां यही है 9 ही है। हैं 9 ही है, कैसे आया? सही आ रहा है। हां जी मतलब ये बता दो मैंने गलती क्या करी है। तूने गलती की है बेटे, तू भी एक्स में खेल रही है, तुझे कॉस में अपना आंसर लेके जाना है बेटे, समझी बात को? तेरा वाई का वैल्यू 19/2 वाई का है ना बेटे ये, और वाई की वैल्यू डालेगी तो एक्स की वैल्यू तेरे पास आएगी बेटे वहां से, और वो एक्स को जब तू चेंज करेगी बेटे वो ऑटोमेटिक कोस थीटा में आंसर आएगा ना बेटे, समझी नहीं? अभी आप जो आंसर निकाल रहे हो किसका निकाल रहे हो बेटे? ये वाई का वैल्यू आपके पास राइट है, और बेसिकली वाई जो है बेटे वो आपका किसमें है? पहले तो यहाँ से y का आंसर निकालेगी बेटे, एक मिनट देख यहाँ से देख गड़बड़ तेरा क्या है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं, दिखा रहा हूँ। और कितने देर हो गए बेटे? एक मिनट बस, हो गया ऐसा क्वेश्चन हो गया। अरे इस क्वेश्चन में नहीं वैसे कह दियो क्लास, लास्ट एग्जांपल एक बार दिखाना है एक बार। लो बेटे मैं लो लास्ट एग्जांपल देखो बेटे, तुम लास्ट देखो, मैं इसको लिखना है जल्दी नोट कर, मुझे इसको लिख के दिखाना है बेटे मुझे कुछ यहाँ पे। और कितने देर चलेगी क्लास बेटे? आप जरा प्लीज परेशान मत करो ऐसे कुछ, मुझे काम कर दो मुझे जरा बस। अब क्लास चलती रहेगी इसलिए बोल रहा हूँ। ओके सर। एक बार बता देना मिसलेनियस में सेकंड वाले पेज पे 19 से 31 में क्या कट है या नहीं। तेरा 19/2 आ रहा ना बेटे? हाँ जी। अक्षरा कैलकुलस का इस्तेमाल कर दूं थोड़ा सा?
सर अभी कराई नहीं है, समझ नहीं आएगा। डेरिवेटिव पता है डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? वो करा थोड़ा डिफरेंशिएशन वाला। हाँ, करा है ना? करा है थोड़ा। हाँ। चल बता, माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ सिक्स ऑफ कॉस थीटा। बेटे तेरा यहाँ पर ना एक्स मानना ही गलत है बेटे इसको। क्यों? क्योंकि बेटे आपका एक्स जो है वो कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा। हुँ. और कॉस थीटा अपने आप में एक वेरिएबल है बेटे यहाँ पर, तो क्वाड्रेटिक में फिट इन होगा बेटे ये चीज आपको। नहीं मतलब फिर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं हो जाएगी कि माइनस नहीं हो जाएगी बेटे, तो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी ना मुझे बेटे इसको। अब जो तेरा आंसर बेटे सपोज आया मान ले y = 19 / 2 राइट बेटे, वो एक बेसिक क्वाड्रेटिक के हिसाब से x के हिसाब से है राइट। यू कैन टेक x एनी वैल्यू ऑफ ना, तुम्हारे हिसाब से x की कुछ वैल्यू हो सकती है ना। हां हो सकती है, बट cos थीटा तो 1 से ऊपर नहीं होता ना बेटे आपके पास। नहीं लेकिन उसमें फिर लिखा हुआ है ना कि x माइनस वन, मतलब x की मिनिमम माइनस वन है और मैक्सिमम प्लस वन है। बट फिर भी आपका x का वैल्यू तो बड़े रियल वैल्यू कुछ भी जा सकता है ना बेटे। आप cos की वैल्यू को देखो ना बेटे थोड़ा यहाँ पर, आपका x पांच, आप मुझे बताना बस क्या आपका x पांच हो सकता है या नहीं हो सकता, लिखने से क्या फर्क पड़ेगा उससे बेटे आपको? वो ग्राफ रुक जाएगा ना वहां पे, जैसे तो ग्राफ को रोकोगे कैसे? रुकेगा ही नहीं बेटे, वो बिल्कुल भी रुकेगा बड़े ग्राफ आपके पास वो। फिर कैसे करना है क्वेश्चन? मैं दिखा रहा हूँ बेटे आपको, देखो जैसे आपका माइनस टू कॉस के थ्री टन है बेटे, भाई सबसे अच्छा प्रोसेस बेटे क्या होता है इसके अंदर, देखो ये भाई आपके पास आ गया बेटे राइट, इसका डिफरेंशिएशन बेटे कितना आएगा बता? माइनस ऑफ फोर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ सिक्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है बेटे? हाँ ठीक है। कॉस थीटा का माइनस प्लस साइन थीटा, राइट और रॉन्ग? राइट। सही है यहाँ तक ना? तो अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम लोग जीरो पुट कर दे इसको बेटे राइट, हमेशा किसी मैक्सिमम मिन वैल्यू को चाहिए होते हैं ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमेशा जीरो पुट करते हैं, ठीक है बेटे? हम समझाता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है बेटे? मैं इनका दो मिनट फ्री कर लू बेटे जस्ट, मैं फिर तुझे अच्छे बताता हूँ क्या चीज है इसके अंदर, एक खास बताता हूँ ठीक है। एक मिनट दे मुझे बस। हाँ भाई बोलो क्या डाउट है, किसी का है किसी का और डाउट? एक बार बता दो 19 से 31 मिसेलेनियस में क्या कट है, क्योंकि उसमें शायद बीच वाली एक्सरसाइज आई थी। मैंने आपको बोला है ना 20 तक क्वेश्चन करने हैं आपको बस, मिसेलेनियस के बाद खत्म हो गई। बोला है? हाँ और बताओ मिसेलेनियस से कौन सा क्वेश्चन है, बोल बेटे क्वेश्चन, बोल बदल क्वेश्चन, बोल 14 क्या है क्वेश्चन, बोल दे क्या है बस फटाफट से। लेट एस बी द सम, ई द प्रोडक्ट एंड आर द रेसिप्रोकल्स। एस सम है तो फॉर्मूला होता है आर की बार एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, पी प्रोडक्ट है तो ए ए आर इंटू ए आर स्क्वायर ए आर की बार बेटे एन माइनस वन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एन आर की बार वन प्लस टू प्लस एन सो ऑन, तो ए की पावर एन आर की बार एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, याद आया कुछ? और आर है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, वन बाय ए वन बाय ए आर वन बाय ए आर स्क्वायर डिवाइड में वन बाय ए की बार एन माइनस वन, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया वन बाय ए, सही है। और रेशो बता कितना आएगा तेरे पास बेटे यहाँ पर, रेशो इज वन बाय आर रेस टू बार एन माइनस वन, वन बाय आर माइनस वन, आगे बढ़े सब चीज तेरे पास, एस की वैल्यू भी आ गई, पी की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई, बता क्या करेगा इसके बाद? तुझे प्रूफ करना है यहाँ पर, अब क्या प्रूफ करना बोलू जरा? पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ठीक है। अब एस की वैल्यू तेरे पास, आर की वैल्यू तेरे पास, पी की वैल्यू, पुट कर सबका आंसर आ जाएगा राइट, क्या? अच्छा ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया हमने, आर की पावर एन माइनस वन आर की पावर एन और आर माइनस वन अपॉन राइट, ठीक है। अब देख एस क्या था, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ठीक है। अब डिवाइड में क्या आएगा, आर, आर क्या है, वन बाय ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर की पावर एन, डिवाइड में क्या है आर माइनस वन अपॉन में आर, ये कैंसिल हो गया पूरा देख राइट,
यस सर। अब तो तेरा कुछ नहीं बचेगा, कर लेगा अब तो। ठीक है सर। और बताओ बेटे कौन सा क्वेश्चन, कैसे डाउट मिसलेनियस का डाउट बोलो फटाफट से। सर 6 और 7 क्वेश्चन बोल दो बेटे, क्वेश्चन तो एलिमेंट्स करनी है। क्वेश्चन बोलो जल्दी से बेटे, क्वेश्चन जिसका डाउट है बस, बाकी कुछ नहीं बोलो। 13 एंड द सम ऑफ क्या बेटे? फाइंड द सम ऑफ, आगे बोलो बेटा आगे बोलो। ऑल टू डिजिट नंबर व्हेन व्हिच एविडेंट बाय 4 यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर। 4 यील्ड्स क्या बेटे? 1 एज रिमाइंडर। अच्छा और किससे डिवाइड होता बेटे वो? 4 से सर। 5 9 13 एंड सो ऑन बेटे, ये ले। और बताओ नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट सम ऑफ सम, लेट द सम ऑफ n आपको डिविजिबल बाय 4 है सर, तो लिख दो उसको बड़ा रिमाइंडर वन आएगा। 7 वाला 13 से लेके 97 बोलो किसका क्वेश्चन है बेटे? सर हाँ बेटे। सर एक क्या करा रहे हो, मतलब कौन सी एक्सरसाइज है? मिसलेनियस बेटे, मिसलेनियस। ठीक है और बताओ बेटे। सर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बोलो क्या बेटे? इफ ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए माइनस बी एक्स, आगे सी प्लस डी एक्स, हाँ जी सी माइनस डी एक्स, हाँ जी और क्या प्रूफ करना है बताओ? इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स। इज इक्वल टू क्या? बी प्लस सी एक्स। B minus CX. हाँ जी। उसके बाद? Show that A, B, C, D, R, N, G, P. Show that A, B, C, D, R, N, G, P. ये प्रूफ करना है ना? हाँ जी। अब बहुत सिंपल सा पॉइंट देखियो बेटे। A plus B X upon में A minus B X आपके पास है ना ये? अगर A, B, C, D, G, P में है, तो B by equal to क्या होना चाहिए? C by B. ये है ना? हाँ जी हाँ जी। उसके बाद क्या आएगा बता? D by C. ऐसी है ना? हाँ जी। तो अब तुझे ये रेशियो प्रूफ करना है, B by A is equal to C by B, right? बेटे एक ना कॉन्सेप्ट होता है, A plus BX उठाया मैंने और A minus BX उठाया, C plus DX, एक कंपोनेंट और डिविडेंड बताया था मैंने आपको, याद है? कंपोनेंट डिविडेंड बेटे क्या था? P by Q, P में Q add और P में से Q minus करते, याद है बेटे? A plus BX में A plus BX अपॉन में A plus BX माइनस और बेटे A plus में BX, C plus DX कंपोनेंट डिविडेंड दोबारा बता दो ना अभी मैं आपसे। तो नीचे A minus BX आएगा, A minus BX minus A, ठीक है? तो ये कितना आपका जाएगा, ये सॉरी ऊपर A minus BX आएगा ना, माइनस BX 2A अपॉन में क्या आएगा? 2BX आ गया ना, यस सर। 2 गया इज इक्वल टू DX, 2C अपॉन में क्या आएगा बेटे? C C cancel, 2DX बेटे, 2 से 2 cancel और X X cancel, आ गया A by B is equal to C by D, देख बेटे आपसे, हो जाएगा ऐसे? हाँ जी हाँ जी। चलो सर इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ ही जाएगा ना? हाँ हाँ तब भी आ जाएगा, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ बेटे फटाफट से, क्वेश्चन बोलते ना बोले मेरे सामने क्या? अरे क्वेश्चन बोल दो ना भाई जिसका भी है। बता रही हूँ सर, सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर 5 एंड 2, फाइंड लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। सम गिवन है एन टर्म्स का 315, कॉमन रेशियो 5 है, सॉरी कॉमन रेशियो 2 है एंड फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म निकालना है। लास्ट टर्म मतलब an निकालना है, तो हो तो गया, किसका क्वेश्चन है ये? इसमें सम टर्म्स दिया हुआ है, n थोड़ी दिया हुआ है, सम टर्म्स दिया हुआ ना, सम टर्म्स ऑफ जीपी। हां तो सम टर्म्स ऑफ जीपी n टर्म्स होता है, और क्या होता है? अच्छा और बताओ बट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस एनीवन मोर?
बोलो क्या क्वेश्चन है. If f is a function satisfying f x plus y. क्लास का क्वेश्चन है. मैं दोबारा क्लास का देख बेटे. f of x plus y is equal to बेटे f of x into y याद आया कुछ? और आपका समेशन होगा बेटे f x is equal to x की वैल्यू 1 से बेटे n तक 120. याद है क्वेश्चन बेटे कुछ? x की वैल्यू 1 खोलते जा बेटे. f of 1 plus f of 2 plus f of 3 and 7. हां जी हां जी ओके. और बताओ बेटे कौन सा? यस और कोई क्वेश्चन किसी का? इफ ए ब्रैकेट में 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी कॉमा बी ब्रैकेट में 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए कॉमा सी ब्रैकेट में 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी आर एल से हम लेके सब में 1 1 ऐड कर दे बेटे. ऐड क्यों करा? क्योंकि एपी में कोई भी चीज ऐड करने से एपी का सीक्वेंस चेंज नहीं होता बेटे. तो इसमें पता कैसे चलेगा? रेशो होता कट जाता है बेटे. एलसीएम लेने पर सेम चीज है ना आपके पास? कैसे बेटे? फिर से बोल रहा हूँ, ए अपॉन में 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी आपके पास आ गया. आप एलसीएम लोगे बीसी, यहाँ आपके पास आएगा ए सी प्लस में क्या आएगा? ए बी. अब जैसे प्लस वन करोगे सब में तो ये ऊपर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे सब में बन जाएगा. तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा आपके पास. अगर वो एपी में गिवन है तो हम दोनों के डिफरेंस को कर लेंगे, एलसीएम निकाल के डिफरेंस कर लो तब भी आंसर सेम आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आपने क्या तरीका बताया प्लस? वो बेटे मैंने प्लस वन का दिखाया है, वो जल्दी हो जाता है बेटे, और कोई दिक्कत नहीं बस. यस और किसी का डाउट? और भी थोड़ा जल्दी बोलो प्लीज. कंपोनेंट डिविडेंड एक बार शॉर्ट में बता दो बेटे. कंपोनेंट डिविडेंड क्या होता है? अगर P और Q बेटे आपके पास है, कंपाउंड डिविडेंड ऐसे लगता है, P में ऊपर वाला प्लस वाला Q हो जाता है और P में से बेटे Q माइनस हो जाता है बेटे. ओके तो ये किसके इक्वल आता है बेटे? ये किसी रेशो में बराबर होता है बेटे. P by Q, P plus Q by P minus Q के बराबर आ जाता है बेटे, राइट? इक्वल टू में जो भी आपके पास, मतलब इक्वल टू में जो भी रेशो है, K by R, मतलब K plus R upon में K minus R, राइट? ये होता है. Yes, anyone more? If A comma B comma C are equal. हाँ? द्वारा बोलो. If A comma B comma C are in AP. B C D in GP. क्वेश्चन भेज दे बेटे, बेटे क्वेश्चन भेज दे, समझ नहीं आ रहा. रुको. और किसी का बेटे? Yes, anyone? WhatsApp भेजा क्या? अभी आया नहीं मेरे पास. आ गया. आ गया. एक मिनट, लेट मी चेक. A B C D R in G P. A B C D G P में आपके पास और 1 by C, 1 by D और 1 by E. R in A P. A थोड़ी है G P में. A B C A P में है, B C D G P में है और 1 by C